The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बकरा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब बस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। एजेंट लवेल और हेक्टर अल्वारेस ताक लगाए बैठे हैं। तुमने अपने फायदे के लिए FBI के 12 घंटे बर्बाद किए और हमारे साथ एजेंट्स मारे गए, तो अब सारी बातें हमारी शर्तों पर होंगी। और हम दोनों जानते हैं कि अगर उसे बचाना है तो तुम दोनों को गायब होना होगा। और ऐसा ना करो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों को। राज अब खुल गया है, वो मुझ तक पहुंचने का जरिया है। दाले चला नहीं है। जब तक जान बचाना सीखना लो तब तक नहीं। तुम मुझे डरा रही हो? जब भी तुम्हें देखती हूँ कांप जाती हूँ। कितना नुकसान कर दिया तुमने, इस बार तो नहीं बच पाएगी। तूने मेरी पूरी दुनिया तबाह करके रख दी, इसके लिए? हाँ, मैं एक किलर हूं। लेकिन एक माँ भी हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ? You can do whatever the f**k you want. तुम टीनेजर को गिरफ्तार किया गया है। तुम नहीं ऑफिसर हो। तो गाइज, करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म द बंकिंघम मर्डर्स जैसी एक क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्म को लेकर हमारा जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि फिल्म अब रिलीज जो हो चुकी है। वैसे हमने तो ये फिल्म देख ली है, जिसका रिव्यू तो आप हमारे चैनल पर सुनेंगे ही, पर क्रिटिक्स का रिव्यू क्या कहता है ये जानने की बारी है। तो पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब करीना कपूर जैसी सुपरस्टार हमेशा वर्सटाइल कैरेक्टर्स के साथ स्क्रीन पर नजर आती हैं। वे खुद की तो फेवरेट हैं ही, पर उनका काम देखकर हम भी उनके दीवाने हो जाते, और हर बार की तरह उन्होंने इसमें भी वही किया। करियर में पहली बार डिटेक्टिव बनकर उन्होंने फिर एक बार एक्टिंग का झंडा गाड़ दिया है। ये एक लेडी सुपरस्टार तो है ही, पर इस पूरी फिल्म में एक लेडी बॉस बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा लगा। वैसे उनके कैरेक्टर जस्ट में अप्स एंड डाउन्स तो आए, इमोशनल ट्रॉमा भी है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजों में ट्रेजेडीज भी हैं। जैसे कि करीना एक माँ के कैरेक्टर में भी इसमें नजर आ रही हैं, एक डिटेक्टिव होने के साथ साथ जो अपने बच्चे के गम में है, पर फिर भी उसके पास जब एक 10 साल के सिख बच्चे का केस आता है तब वो किस तरह काम करती हैं, और साथ में कैसे एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरती हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना कैसे उनके लिए डिफिकल्ट होता है, ये सारे शेड्स करीना ने बखूबी दिखाए हैं इसमें। साथ ही इस फिल्म में करीना कपूर का जो विदाउट मेकअप लुक है, जो बहुत ही हैरानी की बात थी क्रिटिक्स के लिए, तो उनका ये लुक उनके कैरेक्टर को और ज्यादा बेहतरीन और इम्पैक्टफुल बनाता है। अब बात करें फिल्म की डायरेक्शन के ऊपर, तो डायरेक्टर हंसल मेहता जो हमेशा थ्रिलर मूवीज बनाने पर ही फोकस करते हैं, जैसे कि उनकी सबसे पॉपुलर सीरीज स्कैम 1992 ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हंसल मेहता के डायरेक्शन में हमेशा एक इमोशनल डेप्थ होता है, एक इमोशनल पंच होता है जो कि हिट करता है, और उस फिल्म के साथ भी
वही हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं जगहों पर नर्वस एनर्जी या फिर टेंशन वाला माहौल दिखता है, वही कहीं कहीं पर थोड़ा मिस्टेक भी हो चुका है, जैसे उस मोमेंट्स को बनाए रखने में, जैसे कि सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के लिए, जो डेफिनेटली बहुत जरूरी होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री हमें सीट से चिपका कर रखती है, ऐसा क्रिटिक्स को लगता है। एंड क्रिटिक्स के मुताबिक इसमें जिस तरह से इस मर्डर मिस्ट्री में एक 10 साल के सिख बच्चे के गुम होने पर एक मुस्लिम लड़के को सस्पेक्ट बताया जाता है, जिसकी वजह से वो रिलीजियस एलिमेंट इसमें दिखाया गया, एक पॉलिटिकल फैक्टर भी दिखाया गया जो इस फिल्म को एक एक्स्ट्रा तड़का लगाता है, पर ये एलिमेंट्स फिल्म की स्टोरी को थोड़ा सा ओवरशैडो भी करते हैं कहीं कहीं पर, और यहां पर थोड़ी गलती दिखाई पड़ती है। खैर, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिल्म का जो असल गुनहगार इसे ढूंढने के लिए करीना कपूर निकल रही है, वहां पर शायद ऑडियंस थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। मतलब ये असल गुनहगार कौन है ये जानने के लिए आप एंड तक गेस्ट करते ही रहोगे, सोच में पड़ जाओगे, जो कि बेसिकली ऐसी फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इस फिल्म के सस्पेंस की गहराई नजर आती है, जो क्रिटिक्स को भी नजर आई। वैसे देखा जाए तो ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में एक्चुअली रिलीज करने का फैसला किया गया, एंड ट्रेलर से आपको ये समझ आया होगा क्योंकि इसका सेटअप लंदन बेस्ड दिखाया गया, पर कई कई जगहों पर फिल्म की डबिंग को लेकर, हिंदी इंग्लिश वर्जन को लेकर बहुत दिक्कतें भी आ रही, फिल्म को समझने में जो कि क्रिटिक्स को भी नजर आए, जिस पर काम करने की सख्त जरूरत है, वरना ऑडियंस तब वो इमोशनल टच नहीं पकड़ पाएगी। वेल, पर ऐसे एक बात को छोड़कर क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 रेटिंग दी है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है, जिससे ये समझ आता है कि ये कोई एवरेज फिल्म नहीं है। इस फिल्म को देखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। 14 नवंबर को कहाँ थे? मेरे बच्चे को कब तक परेशान करते रहोगे? दिलजीत कोहली, इशप्रीत को संगरूर से। चार सस्पेक्ट, एक मासूम विक्टिम, द बंकिंगहम मर्डर्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। परिवार, फ्रेंड्स, रिश्तेदार या रिलीजन, कौन है शामिल द बंकिंगहम मर्डर मिस्ट्री में? 13th सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म द बंकिंगहम मर्डर्स का ट्रेलर आउट हो चुका है, जिसमें 14th नवंबर को हुए मिस्टीरियस मर्डर को सुलझाया जा रहा है, जिसके 5 सस्पेक्ट्स हैं और एक इनोसेंट विक्टिम है, जो एक बच्चा है जिसका नाम है इशप्रीत कोहली, जो सिख फैमिली से बिलोंग करता है। इशप्रीत के मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने का केस करीना उर्फ जसमीत बमरा उर्फ जस को दिया जाता है। ट्रेलर देखने से पता चलता है कि ये कोई मामूली मर्डर नहीं है, बल्कि इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी इंक्लूडेड है, जैसे कि ट्रेलर के 0.36 सेकंड्स पर दिखाया जाता है। ये खून खराबे वाली सिटी में सिख चाइल्ड के मर्डर में मुस्लिम को अरेस्ट करने से शुरुआत होती है। वहीं ट्रेलर में एक खास चेहरे की भी एंट्री हुई, जिन्हें खाने की दुनिया रणबीर ब्रार के नाम से जानती है, जो इस फिल्म से फिल्मी करियर में डेब्यू कर रहे हैं, जो इशप्रीत के पापा दिलजीत कोहली का रोल प्ले कर रहे हैं। इशप्रीत एक अडॉप्टेड चाइल्ड था। करीना के सस्पेक्ट के घेरे में नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब है, लेकिन पूरे ट्रेलर को देखते हुए ऐसा लगा जैसे खुद करीना भी इसमें सस्पेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में करीना को पिल्स लेने की रिक्वेस्ट की गई। ओवरऑल करीना की एक्टिंग पूरे ट्रेलर में बहुत ही सिंपल और रियल थी। उनकी रियलिटी को कंटिन्यू रखने के लिए उनके मेकअप, हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग पर जबरदस्त काम हुआ है। ट्रेलर कट बहुत ही उम्दा है, जो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है। कहानी कहीं से कहीं तक रिवील नहीं हो रही। ट्रेलर, BGM सब कुछ बहुत अच्छा है, जो डिटेक्टिव स्टोरी वाइब दे रहा है। शूटिंग लोकेशन, जंगल सीन, कैमरा शॉट, सब कुछ बहुत तरीके से शूट किए गए। ओवरऑल ट्रेलर वर्दी है। तो आपको ट्रेलर और करीना की एक्टिंग कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अकरम, क्या सब कुछ ठीक है ऑफिसर्स? हाँ, हमें इंटरोगेट करना चाहिए फैमिली को। उसे भाग मत पुत्र। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म द बंकिंगहम मर्डर्स का ट्रेलर अब रिलीज किया गया है, और ये ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहले उस शख्स को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इनफैक्ट उसके पैर ही पकड़ना चाहेंगे, जिसने भी इसकी इतनी बकवास डबिंग करी है। पर ये ट्रेलर सुनते वक्त आपको ऐसा जरूर फील होगा कि यार ये फिल्म एक्चुअली इंग्लिश में शूट की है और इसे हिंदी में रिलीज किया जाएगा। खैर, पर जब इस ट्रेलर की शुरुआत होती है तो ये दिखाया जाता है कि करीना कपूर जो जस नाम का कैरेक्टर निभा रही हैं, वो एक बहुत ही ना खुश, नाराज या सैड मदर हैं, जो कि बाद में एक डिटेक्टिव बनी है, और वो एक छोटे 10 साल के बच्चे के मर्डर केस में पूछताछ कर रही हैं, जिसमें उन सस्पेक्ट से उनका बस सवाल यही होता है कि 14th नवंबर की रात आप कहां थे, और ऐसे
दोनों स्पेसिफिक डेट सुनने के बाद ना हमारे दिमाग में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का नाम आया। आपको पता ना उसमें भी 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली कहाँ है इस एक सवाल को लेकर इतना बड़ा महाभारत हुआ था। तो इस ट्रेलर में भी एक डेट को अच्छे से हाईलाइट किया गया है जिसके ऊपर ये पूरा क्रूशियल प्लॉट लिखा गया। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि 14th नवंबर को उस बच्चे का कत्ल होता है और 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी होता है, तो ये काफी अच्छा कनेक्शन यहाँ पर इन लोगों ने बिठाया है जो कि इमोशनली किसी को भी हर्ट कर देगा यार। वैसे जब ये ट्रेलर और आगे बढ़ता है तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन है फिर उसमें इन्वॉल्व होता है। और अगर आप पुलिस को देखोगे तो येलो कलर के जैकेट्स में पुलिस फोर्स नजर आएगी। इसका मतलब ये इंडिया की पुलिस तो नहीं, ये फॉरेन की पुलिस है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग ही लंदन में हुई है। वैसे जैसे जैसे ये ट्रेलर आगे बढ़ता है उसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल ट्रॉमास जिससे करीना कपूर का कैरेक्टर गुजर रहा है ये दिखाई देता है। पर ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है हॉलीवुड फिल्म मेयर ऑफ ईस्ट टाउन के कैरेक्टर मेयर से, जिसे एक्ट्रेस केट विंस्टल ने प्ले किया था, जिसमें वह डिटेक्टिव कॉप बनी थी। और बेबो का इसमें जो लुक है एकदम विदाउट मेकअप वाला जो लुक है उसमें वो काफी हद तक केट की तरह लग रही है, जहां पर बस डी ग्लैमराइज लुक है, एक सिंपल लुक है और चेहरे पर बस ढेर सारे सवाल है। वेल अगर 1.14 सेकंड्स पर ये ट्रेलर आप जाके देखो तो पॉपुलर शेफ रणबीर ब्रार जो इसमें नजर आएंगे, जहां पर हमें पता चलता है कि उस छोटे बच्चे को पंजाब की किसी जगह से अडॉप्ट किया गया और धीरे धीरे करके फिर ये ट्रेलर फिर एक रिलीजियस वायलेंट तरीके से बदल जाता है जिसमें सिख वर्सेस मुस्लिम ये पिक्चर देखने को मिलता है। क्योंकि बेसिकली इस केस का जो प्राइम सस्पेक्ट है वो एक मुस्लिम लड़का होता है। इसका मतलब ये केस सुलझाते हुए करीना कपूर का कैरेक्टर काफी मुश्किलों से तो गुजरने वाला है, पर आखिर में वो गुनेगार को ढूंढ ही निकालेंगी और वो गुनेगार एक्चुअली है कौन ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वेल आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है और करीना कपूर खान की कमबैक के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने उसकी फाइल पढ़ी है, एक बच्चा लापता है, इंडियन फैमिली है। उस दिन पार्क में क्या हुआ था? आमिर खान की धोबी घाट और डेली बेली से कैसे जुड़ी है करीना कपूर खान की द बंकिंगहम मर्डर्स? ट्रेलर आउट होने से पहले ही कैसे हो गई वायरल? द बंकिंगहम मर्डर्स के अनाउंसमेंट के बाद से करीना कपूर खान, एकता कपूर और हंसल मेहता के इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑडियंस में भारी एक्साइटमेंट है। लोग जानने के लिए बेताब थे कि ये तिकड़ी आखिर क्या नया लेकर आ रही है। फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बन गई थी। इसका ग्लोबल प्रीमियर BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल 2023 में हुआ और मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2023 में इसको परफॉर्म किया गया, जहां इसे शानदार रिव्यूज और रिस्पांस मिला। इसके बाद मेकर्स ने एक बढ़िया टीजर और पहला गाना साडा प्यार टूट गया रिलीज किया गया, जिसने मिस्ट्री थ्रिलर में रुचि बढ़ा दी। अब उन्होंने कल बड़े ट्रेलर लॉन्च से पहले करीना कपूर खान के नए लुक के साथ एक पोस्टर रिलीज किया है। इसमें करीना कपूर खान को एक पावरफुल एक्सप्रेशन के साथ दिखाया गया जो पोस्टर को बहुत ही बढ़िया बनाता है। आज बड़े ट्रेलर लॉन्च के साथ इस पोस्टर ने ट्रेलर के लिए सभी की एक्साइटमेंट को बढ़ा दी है। वहीं फिल्म की रिलीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। एक हफ्ते से ज्यादा समय पहले फिल्म के मेकर्स ने 2 टीजर रिलीज किए थे, एक इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में। एक सोर्स ने बताया कि जैसे कि टाइटल से पता चलता है फिल्म इंग्लैंड में सेट है, रियलिटी बनाए रखने के लिए ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन में लोकल एक्टर्स के डायलॉग्स इंग्लिश में है। कुछ ऑडियंस ऐसी है जो बहुत सारे इंग्लिश डायलॉग्स या हिंदी उच्चारण को नहीं समझ सकते, उनके लिए मेकर्स ने हिंदी वर्जन को डब करके रिलीज करने का फैसला किया है। इस वर्जन में सभी अंग्रेजी डायलॉग और हिंदी उच्चारण वाली लाइन इस तरह से डब की गई कि देसी ऑडियंस इसे आसानी से समझ पाए। इससे पहले आमिर खान की भी 2 फिल्में जैसे कि धोबी घाट और दिल्ली बेली के लिए भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी रिलीज हुए थे, इससे फिल्म की कमाई में बढ़ावट आएगी। 2 वर्जन को रिलीज करने का डिसीजन दिखाता है मेकर्स ये चाहते हैं कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिले। इसी बीच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी इसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है और बहुत सपोर्ट दे रही है। द बंकिंगहम मर्डर्स करीना कपूर खान की प्रोडक्शन में फिल्म बनी हुई है और लगता है कि एक दिलचस्प और रहस्यमय कहानी स्क्रीन पर लेकर आ रही है। ये फिल्म एकता कपूर और करीना कपूर खान के बीच एक और पार्टनरशिप है। इससे पहले वे वीरे द वेडिंग और क्रू जैसी हिट फिल्में दे चुकी हैं। इस फिल्म के साथ वे मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर में अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं। द बंकिंगहम मर्डर्स 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में करीना कपूर खान, एश टंडन, रणबीर बरार और कीथ एलन जैसे टैलेंटेड स्टार्स हैं। ये फिल्म हंसल मेहता ने डायरेक्ट की है और असीम अरोड़ा, कश्यप कपूर और राघव राज कक्कड़ ने लिखी है। ये महाना फिल्म्स और TBM फिल्म्स का प्रोडक्शन है जिसे बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा
प्रेजेंट किया गया है। फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर और पहली बार प्रोड्यूसर बन रही करीना कपूर खान ने प्रोड्यूस किया है। वेल, आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जसमीत बामरा, जैस। मेरे बच्चे को कब तक परेशान करते रहोगे? हमें इंटरोगेट करना चाहिए फैमिली को। बाद में कर लेना, ये नलका खुल गया, अब नहीं रुकेगा। बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर खान जो एज अ प्रोड्यूसर अपना डेब्यू करने जा रही है उनकी अपकमिंग फिल्म द बकिंघम मर्डर से, जो इस 13 सितंबर को रिलीज होने वाली है, उसके ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में क्या ये फिल्म हमें सच में देखनी चाहिए या फिर नहीं, इसे लेकर अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो उसका सोल्यूशन अभी हमारे पास है। जी हाँ, दरअसल इस फिल्म की प्री स्क्रीनिंग अब हो चुकी है और कुछ क्रिटिक्स के रिव्यूज भी धीरे धीरे बाहर आए हैं, तो ये आपको जरूर हेल्प करेंगे फिल्म को लेकर डिसीजन लेने में। तो पहले तो इस फिल्म की कहानी क्या है ये जानते हैं। दरअसल करीना कपूर खान इसमें जैस नाम की एक इंडियन ब्रिटिश डिटेक्टिव बनी है जिसने अपने बच्चे को खोया है, तो उसके गम को भुलाने के लिए ये अपना काम शुरू कर चुकी है। तभी उसके हाथ एक 10 साल के बच्चे का मिसिंग केस लगता है और उसमें 4 सस्पेक्ट होते हैं जिसमें एक मुस्लिम लड़का भी है। ऐसे में ये बंदी उस असल गुनहगार तक कैसे पहुंचती है, बेसिकली यही इसका मेन प्लॉट है। तो पहली बात तो ये है कि करीना कपूर खान ने एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट की है। एक दी ग्लैमराइज अंदाज डिटेक्टिव बनकर वो काफी पावरफुल और इंटेंस दिखाई दे रही है। करीना का ये डीपली इमोशनल कैरेक्टर आपको स्टोरी से बांध कर रखता है और अधिकतर जगहों पर करीना का जो साइलेंस है वो सबसे खतरनाक लगता है। तो करीना अपनी तरफ से 100% दे रही है इसमें, ये तो आपको लगेगा ही, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा जो कि ट्रेलर के वक्त भी लगा था कि भाई करीना को एक नेशनल अवार्ड देना तो बनता है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर कहने का मतलब यही है कि करीना का काम बिल्कुल परफेक्ट है उनकी तरफ से, कहीं कोई कमी नहीं है। पर जहाँ डायरेक्शन की या फिर नरेशन की बात आती है, वहां पर आपको सीट से चिपका कर रखने में ये फिल्म कामयाब होगी ये हम श्योरली नहीं कह सकते हैं अभी। मतलब ये क्राइम थ्रिलर मर्डर ड्रामा जरूर है, बोल्ड और इनोवेटिव नैरेटिव भी है जो करीना की पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट कर रहा है, और कई जगहों पर आपको लगेगा कि उतना हार्ड हिटिंग क्राइम थ्रिलर ड्रामा नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टर हंसल मेहता के डायरेक्शन में आपको थोड़ी बहुत कमी लग सकती है, पर हंसल मेहता जो कि स्कैम 1992 जैसी थ्रिलर सीरीज बनाने वाले महारथी है, वो इसमें सस्पेंस, एंगर, आइसोलेशन इसके जरिए आपको इंगेज रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि इस क्राइम के पीछे चेहरा किसका है, कौन है ये गुनहगार, इसका जवाब आप एंड तक ना गेस नहीं कर पाओगे। इसकी खबरदारी मेकर्स ने बराबरी से ली है, मतलब कि आप बिल्कुल सस्पेंस में बने रहोगे। तो अगर आप इस एक पॉइंट को लेकर फिल्म देखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं फिल्म की टीम, डायरेक्टर, करीना सब कामयाब हो चुके हैं ये तो हम कह सकते हैं। वैसे कई कई जगहों पर सीन्स कुछ चीजें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लगती है जो अगेन इसका प्लस पॉइंट है। पर हाँ, इसमें जो एक टेंशन या फिर नर्वस एनर्जी जो कि ऐसे जॉनर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है वो कई कई जगहों पर छूट जाती है, और जैसा कि इसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल वाले एलिमेंट्स भी डाले गए हैं, तो ये तो फिल्म देखने के बाद ही आप तय कर पाओगे कि सच में इस मर्डर केस को इन सब चीजों ने ओवरशैडो किया है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये अब हर किसी की ओपिनियन पर डिपेंड करेगा, पर ओवरऑल देखा जाए ना तो डायरेक्शन को 5 में से 3 रेटिंग मिली है, इसके डायलॉग्स को 3.5 रेटिंग मिली है, स्क्रीन प्ले के लिए 3 रेटिंग मिली है, और इसका जो विजुअल अपील है उसके लिए 3.5 रेटिंग मिली है। मतलब ओवरऑल 3.5 रेटिंग्स मिली है। मतलब इस क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री को आप जरूर देख सकते हैं, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा इसकी गारंटी है। फिलहाल दोस्तों आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। डिस्को पार्टी, वोडका शॉर्ट्स और डांस फ्लोर पर डिटेक्टिव, विदाउट मेकअप, विदाउट ग्लैमर, फिर भी हुआ हैंगओवर। क्या आप ऐसे अंदाज में मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली एक्ट्रेस को इमेजिन कर सकते हैं? दरअसल अब मैं अपनी फेवरेट हूँ सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, करीना कपूर खान उर्फ हमारी बेबो की, जिनकी अपकमिंग फिल्म द बकिंघम मर्डर्स का पहला सॉन्ग सादा प्यार टूट गया रिलीज हो चुका है, और ये गाना पूरी तरह से करीना के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता है। इसमें नजर आता है कि वो एक क्लब में जाती है, वहाँ पर वोडका की शॉट्स लेती है और फिर वोडका अपना काम करना शुरू कर देता है। वोडका पीने की वजह से वो थोड़ा सा झूमने लगती है, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश भी करती है, पर फिर भी उसे वैसा वाला खतरनाक हैंगओवर नहीं होता है, क्योंकि उनके कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी इमोशनल ट्रॉमा में है। जैसा कि करीना कपूर खान
इसमें जसमीत भामरा नाम की एक ब्रिटिश इंडियन डिटेक्टिव के कैरेक्टर में नजर आती हैं, जिसके पास बकिंघम शायर में मर्डर हुए एक बच्चे का केस है, तो वही मर्डर मिस्ट्री इसे सॉल्व करनी है। बट एट द सेम टाइम वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और इसी से रिलेटेड कुछ सीन्स हमें इस गाने में देखने को मिलते हैं। मतलब कंप्लीट इमोशनल अत्याचार हो रहा है ऐसा दिखाई देता है, जिससे कि वो तंग आ चुकी है और रिलैक्स होने के लिए क्लब में जाती है, पर वहाँ पर भी वही सारी बातें उन्हें परेशान करती है, और करीना की आंखों में वो इंटेंसिटी, वो पेन, सब कुछ साफ साफ झलकता है। पर ये सॉन्ग देखकर सबसे अच्छी बात तो ये लगी दोस्तों कि करीना अगेन एक डिफरेंट रोल में हमें नजर आ रही है, जैसा कि वो हमेशा ही कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ इसमें इनका कैरेक्टर टोटली डीग्लैमराइज कैरेक्टर है, मतलब एकदम नेचुरल। इस गाने में बेबो विदाउट मेकअप नजर आ रही है, मतलब मेकअप से बेबो को कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ पर हमें कभी खुशी कभी गम वाली पू की याद आ गई, जो कि अपने मेकअप के बिना कहीं जाती ही नहीं थी, और फैशन उनकी जान थी। पर अब वक्त बदल गया है और करीना भी काफी बदल गई है, मतलब वाओ। वैसे करीना का ये लुक और ये गाना देखने और सुनने के बाद फैंस तो बेहद खुश हुए, उन्हें ये गाना काफी पसंद आ रहा है, और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई करीना कपूर खान को उनका पहला नेशनल अवार्ड अब मिलेगा ही। मतलब इस उम्र में भी कोई इतना ग्रेसफुल, कोई इतना नेचुरल कैसे हो सकता है, इसके ऊपर कुछ लोग PhD भी करने लगे। वाओ, मतलब बेबो ने इस बार कुछ ज्यादा ही दिल जीत लिया है लगता है। खैर, बेबो ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया, पर ये गाना भी उस लेवल का है। इस गाने के हर एक शब्द से ही ऐसा लग रहा है कि इमोशंस कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं उस कैरेक्टर के। इंटेंस और पेनफुल ये इमोशंस गाने को अच्छे से बांध के रखते हैं, और इस गाने को कंपोज किया है ब्रिटिश इंडियन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और DJ बल्ली सागो ने, और इसे गाया है विकी मार्ले ने। और भले ही ये दो नाम हमने पहले कभी ना सुने हो, पर इनका एक गाना सुनने के बाद ना आप भी इनके फैन बन जाओगे, तो जरूर सुनिए ये गाना, हेडफोन्स तैयार रखिए और बाद में उनका इंतजार भी कीजिएगा, जो कि 13 सितंबर को रिलीज होने वाली है हमारे नजदीकी और दूर के थिएटर्स में। तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पठान ने कहा था कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, पर अब तो हम यही कहेंगे कि भाई मौसम तो ऑलरेडी बिगड़ चुका है। अरे फिल्म क्रू का कलेक्शन तो देखो, करीना कपूर, कृति सैनन और तबू की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फ्लाइट लैंड ही नहीं कर रही। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने तो फाइटर जैसी फिल्म को भी उसकी औकात दिखा दी है। दरअसल 29 मार्च को रिलीज हुई क्रू को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन उसके और ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के कलेक्शन में पैदा हुए फर्क की वजह से ये और भी चर्चा में आ चुकी है, जिसका रीजन है कि फाइटर कुछ लोकेशंस पर बैन हो चुकी थी अपने कंटेंट की वजह से, पर क्रू के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर तब्बू, करीना और कृति की इंडियन मार्केट में हो रही कमाई की बात करें तो फिल्म को 10.28 करोड़ की ओपनिंग मिली थी। उसके अगले दिन शनिवार को फिल्म ने 10.87 करोड़ कमाई और रविवार को 11.45 करोड़ की कमाई की। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 3 दिनों में इस फिल्म ने 60 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। क्रू ने इंटरनेशनल मार्केट में पहले दिन $1.17 मिलियन का कलेक्शन किया। अब इंडियन रुपीज में ये करीब 9.75 करोड़ होता है। इस नंबर में अमेरिकी मार्केट ने $600,000, ऑस्ट्रेलियन मार्केट ने $115,000, न्यूजीलैंड के मार्केट से $30,000 और इंग्लैंड के मार्केट से $90,000 आए हैं। पर फाइटर ने पहले दिन $1.1 मिलियन की कमाई की थी, यानी 9.17 करोड़। देखिए यहाँ आपको हल्का सा डिफरेंस नजर आएगा। अब फाइटर एक एरियल एक्शन फिल्म थी और क्रू एक कॉमेडी हाइस्ट फिल्म है। अगर आप देखा जाए तो बॉलीवुड हो या साउथ, अभी एक्शन फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, पर उसमें भी क्रू जैसी कॉमेडी फिल्म ने मामला उल्टा पुल्टा कर दिया है। यही देखकर तो फाइटर वाले एक ही रिएक्शन दे सकते हैं, ओ भाई मारो मुझे मारो, इसलिए डोंट चैलेंज द पावर ऑफ नारी शक्ति। हाँ, अब अगर चौथे दिन के कलेक्शन की बात करें तो क्रू ने सिर्फ 4 करोड़ अपने जेब में डाले, मतलब इंडियन मार्केट में टोटल 35 करोड़ की कमाई हो चुकी है। पर जिस तरह की इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ है और ऑडियंस भर भर के इंटरेस्ट दिखा रही है, उससे लगता नहीं है कि ये हवाई सुंदरी रुकने वाली है। वैसे यामी गौतम की आर्टिकल 370, जो कि एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी, उसके बाद आने वाली ये सेकंड फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, और आर्टिकल 370 जल्द ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ मार्क करेगी, और क्रू भी अब वही रास्ता पकड़ने वाली है, फिर चाहे उसके सामने कोई भी गॉडज़िला या किंग ऑफ कौन आ जाए। वैसे आपको क्या लगता है फिल्म कैसी होने वाली है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्रैड स्टूडियोज।
बॉलीवुड में हीरोइन बेस्ट फिल्मों का रेशियो तो कम है कंपेयर टू हीरोइज्म सेंट्रिक फिल्में, और उसमें भी मेल एक्टर्स ही कॉमेडी करते हैं ना कि हीरोइंस। पर आज की घड़ी में औरत किसी से कम नहीं है, और यही सोचकर बॉलीवुड एक्ट्रेस तबू, करीना कपूर और कृति सैनन ने, इन तीनों ने कॉमेडी फ्लेवर्ड फिल्म क्रू का भार उठाया है। वो भी इसमें इन दोनों के साथ एयर होस्टेस बनी है और अपने हुस्न के जलवे ऐसे बिखर रही है 50s में कि बेबो भी शर्मा जाए। अब चलो बेबो को तो हम कॉमेडी करते देखते हैं, कृति भी एक राइजिंग टैलेंट है, पर तबू तो एक सीनियर और सीरियस किस्म की एक्ट्रेस है, फिर भी कॉमेडी। अब कॉमेडी के लिए तो जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत होती है, और तबू के पास तो वो है, बस उनके सीरियस फेस की वजह से कभी वे रियलाइज नहीं होता। आप उनकी हैदराबादी सुन लो, बातों ही बातों में समझ आ जाएगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर तो है। और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने ये कहा था कि जब तबू गुस्से में होती है तब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सातवें आसमान पर होता है। पर तबू ने अपने करियर की शुरुआत सीरियस रोल से ही की है। 1994 में ऋषि कपूर के साथ पहला प्यार नाम की फिल्म से डेब्यू किया, पर यह फिल्म फ्लॉप हुई। एक रोमांटिक फिल्म के बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ विजयपथ की माचिस जैसी पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा किया, और उसके बाद तबू फाइनली एंटर हुई कॉमेडी जॉनर में गोविंदा के साथ साजन चले ससुराल के जरिए। फिर विरासत, बॉर्डर, दरमिया जैसी सीरियस फिल्में करने के बाद वे चाची 420 में कमल हसन के साथ नजर आई। फिर रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस फिल्में करने के बाद फिर से कॉमेडी में छलांग लगाई, जिसमें हेरा फेरी का नाम हमें शान से लेना चाहिए, जहां वे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ नजर आए। उसके बाद गोलमाल फ्रेंचाइजी, दे दे प्यार दे, भूल भुलैया 2, ऐसी कई सारी पॉपुलर कॉमेडी फिल्में में तबू ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया, पर इन फिल्मों में मेल एक्टर्स को ही ज्यादा तवज्जो दिया गया। पर क्रू में तबू को ओपन स्पेस मिली है और फिल्म में उनके डायलॉग्स के जरिए वे समझ आ जाता है। वैसे जहां तक क्रू एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म है, तो ऐसी फिल्मों में तब्बू परफेक्ट है, क्योंकि वो इससे पहले भी वन ऑफ दी स्टार गेजिंग मूवीज और वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट, और अपने कंधों पर पूरी तरह एक फिल्म का भार उठाने में सक्सेसफुल रही है। अस्तित्व नाम की एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म उन्होंने की थी, जो बेसिकली एक ऐसी औरत की कहानी है जो शादी के बाद अपने अस्तित्व को खोजने की जर्नी शुरू करती है। उनकी दूसरी फिल्म हुतुतु में पॉलिटिक्स पावर का खेल दिखाया था, और तबू ने उस पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया था करप्शन और पावर पर। फिर फिल्म चांदनी बार में तबू ने एक अबला लड़की की बार डांसर बनी लड़की, और उसके बाद उसकी लाइफ में होने वाली उथल पुथल इसके एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ा, और उसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। तो तबू कैन डू एनीथिंग, बिल्कुल मक्खन मार के, और इसलिए क्रू जैसी ऐसी वुमन ओरिएंटेड और कॉमेडी फिल्मों में तबू जैसी बॉस लेडी भाती है। तो आपको तबू की इस फैंटास्टिक जर्नी पर क्या कमेंट करना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। 20 साल भाइयों की तरह काम किया, ऐसे कैसे जा सकता है? बिकॉज ही इज रिच बेबी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन हाइट में जितनी लंबी हैं, उतना ही लंबा सफर अब बॉलीवुड में तय कर रही हैं, और आगे भी करती रहेंगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म क्रू के ट्रेलर टीजर से उनका काम देखकर हमारे मुंह से वाव रिएक्शन ही निकल रहा है, क्योंकि साथ में कौन है वो देखो ना, करीना कपूर और तब्बू, जो कि सीनियर एक्ट्रेसेस हैं। बॉलीवुड में 2-3 दशकों तक इन्होंने राज भी किया और अभी भी कर रही हैं। ऐसे में कृति के लिए कितनी बड़ी बात है और चैलेंजिंग भी। तो क्रू में कृति दिव्या राणा नाम की एक एयर होस्टेस का कैरेक्टर निभा रही हैं, और उनका ये एयर होस्टेस का कैरेक्टर उन पर काफी सूट कर रहा है। मतलब अगर फिल्म इंडस्ट्री में ना आकर या इंजीनियरिंग ना कर वे एयर होस्टेस भी बन जाती तो भी चल जाता। खैर, पर कृति को देखकर अभी स्ट्रांग वाइब्स आ रही है, क्योंकि वे इस वुमन ओरिएंटेड फिल्म का हिस्सा है। अब बॉलीवुड में रियली वुमन ओरिएंटेड फिल्में बनी है, और उसमें भी बनी एक वुमन ओरिएंटेड मल्टी स्टारर और कॉमेडी फिल्म जिसका हिस्सा कृति है। मतलब कृति को अपने हाउसफुल सीरीज में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख के साथ देखा है, जो हंसते हंसते कॉमेडी का वजन उठाते हैं। कहीं उन्हें देखकर तो कृति के अंदर भी ये पावर तो नहीं आ गई, क्योंकि हंसाना बहुत मुश्किल है। और हैरानी तो ये है कि कृति कभी ऐसे कैरेक्टर्स निभाएंगी ऐसा उन्हें भी नहीं लगा था। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ 2014 में इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म हीरोपंती से, जो कि साजिद नाडियाडवाला का फिल्म था, जो ये एक रोमांटिक फिल्म थी, और इसके लिए कृति को बेस्ट बॉलीवुड डेब्यू का अवार्ड भी मिला। पर उस वक्त तक भी कृति को ये नहीं पता था कि बॉलीवुड में उनका करियर होने भी वाला है। फिर उन्होंने दिलवाले और राबता जैसी फिल्में की, और राबता को देखकर करण जौहर ने
टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशंस भी दिए थे। राबता तो चली नहीं और दिलवाले में भी कृति का कोई खास रोल नहीं था क्योंकि उस फिल्म में शाहरुख और काजोल जैसे सुपर हिट जोड़ी थी। फिर स्त्री कलंक में गानों के लिए स्पेशल अपीयरेंस देने के बाद वे लुका छुपी में नजर आई, पर उसमें उनका कैरेक्टर उतना स्ट्रांग या पावरफुल नहीं था कि उस पर खास फोकस किया जाए, बल्कि वो एक स्मॉल बजट फिल्म थी। फिर अर्जुन पटियाला पानीपत जैसी हिस्टोरिकल फिल्म में उन्होंने की, पर कृति पर फोकस ऐसे नहीं जा सकता था, भले ही पानीपत आशुतोष गोवीरकर की फिल्म की क्यों ना हो। फिर कृति हाउसफुल 4 में नजर आई, जो कि साजिद नाडियाडवाला की पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। उसमें कॉमेडी के बादशाह होते हैं अक्षय कुमार, पर आज अक्षय अगर कृति को क्रू में देखेंगे तो भी वह भी हक्के बक्के हो जाएंगे और बोलेंगे कि यार ये तो वही शाय और कम बोलने वाली लड़की है, पार्टियों में एक कॉर्नर में बैठे रहने वाली लड़की है जो कॉमेडी कर रही है, वह भी बेबो और तब्बू के साथ। फिर 2021 में आई मिमी और इस मिमी ने सारा खेल बदल दिया। एक सैरोगेट मदर का कैरेक्टर निभाकर कृति ने सबके छक्के छुड़ा दिए, ऐसे छक्के छुड़ाए कि उनको डायरेक्टर नेशनल अवार्ड भी मिला और इस फिल्म के लिए भी। वो एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी जिसका चेहरा कृति थी। फिर आदि पुरुष जैसी बिग बजट प्रोजेक्ट के प्रभास के साथ नजर आई माँ सीता का कैरेक्टर निभाते हुए, और माँ सीता का कैरेक्टर मतलब पावरफुल और चैलेंजिंग कैरेक्टर, फिर भी कृति ने उसे अपने मुताबिक निभाया। पर रोमांटिक हिस्टोरिकल कॉमेडी इमोशनल और माइथोलॉजिकल फिल्में करने के बाद कृति एक्शन मोड में नजर आई गणपत में, जो चली नहीं। पर उसके लिए कृति ने ताइक्वांडो भी सीखा, मार्शल आर्ट सीखा, कुछ एक्शन फॉर्म्स भी सीखे और बाइक राइडिंग भी सीखी। पर टाइगर श्रॉफ साथ होते हुए भी कृति ने सारा ध्यान खींच लिया और आखिर में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म में वे एक फीमेल रोबोट बनी। देखा जाए तो वे रोबोट के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी थी जो कि चैलेंजिंग रोल था, और कृति ने उस रोबोटिक कैरेक्टर में कॉमेडी को बरकरार रखते हुए इंटरेस्टिंग बनाया। अब क्रू में भी वो कॉमेडी का आजमा रही है। कृति ने अपने करियर में ज्यादा फिल्में भले ही 10 साल के स्पेन में ना की हो, पर अलग अलग जॉनर की फिल्में की हैं और उनका रोमांटिक हीरोइन से लेकर एक्शन लेडी तक का सफर है इंटरेस्टिंग। करीना को तो हम कॉमेडी अंदाज में इससे पहले कई बार देख चुके हैं, तब वो एक माहिर एक्ट्रेस है जो हर इमोशंस को प्ले कर सकती है। ऐसे में कृति के लिए कितना चैलेंजिंग होगा इन दोनों को मैच करना, पर उनका काम काफी बेहतर नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कृति की क्रू 29 मार्च को थिएटर में सीटियां और तालियां हासिल करे। आपको कृति के इस फैंटेबुलस जर्नी पर क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एंटिल देन की पॉचिंग। सोना कहाँ है सोना? वी वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन। चेयरमैन कोहिनूर एयरलाइन। थोड़ी तो इंसानियत रख जैस्मिन, कोई बेचारा। करीना कपूर उर्फ जिन्हें प्यार से हम बेबो बुलाते हैं, उन्हें देखकर सिर्फ एक ही लाइन याद आती है कि दुनिया चाहे जो भी करे भाड़ में जाए, पर मैं अपनी फेवरेट हूँ। वैसे ये मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला एटीट्यूड उनकी अपकमिंग फिल्म क्रू में नजर नहीं आ रहा, जहाँ पर वह एक एयर होस्टेस के कैरेक्टर में नजर आती हैं और तब्बू और कृति सैनन के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। अब ऐसी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म और उसमें करीना जैसा चेहरा ना हो, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि करीना टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन बनकर रहने वालों में से नहीं है। करीना कभी ऊटपटांग बातें करके, शो ऑफ करके, टैंट्रम्स दिखा के थोड़ा इरिटेट करती हैं, पर एक स्ट्रांग एंड बॉस लेडी के तौर पर वे हमेशा स्ट्रांग वाइब्स देती हैं, क्योंकि उनके बॉलीवुड में काम करने के और अपने पर्सनल लाइफ के भी फंडे क्लियर है। करीना ने 2000 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म रिफ्यूजी से। अभिषेक बच्चन के साथ उन्होंने फिल्म करी जिसके लिए उन्हें बेस्ट बॉलीवुड डेब्यू का अवार्ड भी मिला। उसके बाद का कभी खुशी कभी गम, मुझे कुछ कहना है जैसे रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्में भी की, पर करीना फैमिली ड्रामास के लिए नहीं बनी है, ये तो फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स के लिए ही बनी है। और ऐसे में उन्होंने चमेली नाम का एक फिल्म करी जिसमें करीना ने सेक्स वर्कर का कैरेक्टर निभाया था, जो उनकी करियर का टर्निंग प्वाइंट बना। उसके बाद भी एक और स्ट्रांग कैरेक्टर पाया 2002 में फिल्म देव में, जहां एक मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर निभाया जो गुजरात वायलेंस की वजह से अफेक्ट हो चुकी है, जो रियल लाइफ पर बेस थी। फिर सीरियस प्रोजेक्ट्स करने के बाद करीना की एंट्री हुई कॉमेडी जॉनर में, जब वे जब भी मेट के साथ फिल्म्स कर रही हैं, हमें एक गीत मिली। करीना का वह कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल था कि हमें शाहिद कपूर को देखने का टाइम भी नहीं मिला, और तभी तो शाहिद भी बेबो के प्यार में पड़ गए, सोचिए कितना इम्पैक्ट हुआ होगा। वैसे उसके बाद थ्री इडियट्स बजरंगी भाईजान में खान लोगों के साथ नजर आई, उसमें भी फन एलिमेंट्स थे, पर भले ही वो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान के साथ हो, करीना का इम्पैक्ट, उनका इंडिविजुअल प्रेजेंस हमेशा नजर आता है। फिर वीरे दी वेडिंग में करीना फिर एक बार स्ट्रांग कैरेक्टर में दिखी, और वीरे दी वेडिंग में जो करीना नजर आती हैं, वैसल में पंजाबन करीना कपूर लगती हैं, जो बिंदास बोल्ड, किसी की परवाह नहीं करने वाली हैं। और अब बहुत टाइम बाद वैसे ही बिंदास बोल्ड कैरेक्टर के साथ वो नजर आ रही हैं क्रू में। करीना की कास्टिंग ही इसीलिए की गई क्योंकि इस फिल्म के कॉमेडी फ्लेवर में करीना का
कॉन्ट्रीब्यूशन हो। इसलिए तो सबसे पहले ऑफर उन्हें ही मिला ताकि वे कभी खुशी कभी गम वाली पू, जब भी मेट की गीत, मैं प्रेम की दीवानी हूँ की संजना की तरह बैक टू कॉमेडी नजर आए। वैसे करीना वुमन सेंट्रिक फिल्में या बायोपिक करने के लिए सूटेबल है, ऐसा बहुत बार कहा जाता है, पर वो एक प्रोजेक्ट्स करती हैं जिन्हें स्क्रिप्ट्स उनकी पसंद आती है। और करीना ने क्रू को चुना क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट उन्हें अच्छी लगी और फिल्म का ट्रेलर और करीना की एक्सपीरियंसेस और एक्साइटमेंट देखकर समझ आ रहा है कि फिल्म सच में इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें हमें एक्चुअल करीना नेचुरल एक्टिंग करते नजर आएंगी। तो करीना के इस धमाकेदार जर्नी पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ये डायलॉग तो शाहरुख खान की पठान का है, पर एक्चुअली ये यहाँ पर ही सूट करता है क्योंकि ऐसी अनाउंसमेंट तो हमें फ्लाइट में ही सुनने को मिलती है और फ्लाइट में होती है मस्त मस्त एयर होस्टेस। तो एयर होस्टेस पर ही बनी फिल्म क्रू का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें हमें नजर आएंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी फेवरेट हूँ वाली करीना कपूर, तब्बू और कृति सैनन, जिसकी शुरुआत होती है एक लेडी ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन से, जो इनसे पूछती है कि सोना कहाँ है, जिस पर ये तीनों अलग अलग एक्सप्रेशंस देती हुई सोना 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 करती रहती है। दरअसल ये तीनों कोहिनूर एयरलाइन में काम कर रही होती हैं, तो एक्चुअली बैंक करप्ट हो जाता है, वजह से सैलरी एडिक्शन होना और इनका क्राइसिस को फेस करना ये सब चलता रहता है। मतलब नॉर्मल सैलरी भी नहीं मिल रही है और ये लोग बोनस की एक्सपेक्टेशंस कर रही होती हैं। इससे ये समझ आता है कि सिंसियरली काम करने वाली इन तीनों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें अब जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। फिर एक दिन फ्लाइट में करीना राजवंशी नाम के पैसेंजर को जगाने की कोशिश करती है, तब वह जमीन पर गिर जाता है और उसके शर्ट के अंदर सोने के बिस्किट्स होते हैं, तो देखकर इन तीनों की आंखें चमकने लगती हैं। और उस वक्त आपको करिश्मा कपूर का सोना कितना सोना है गाना जरूर याद आएगा। अब इस फिल्म में एक्टर राजेश शर्मा मिस्टर मित्तल नाम का कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो इस कंपनी से जुड़े हैं और ये कंपनी ऐसे ही पैसेंजर्स के गोल्ड को इकट्ठा कर अंदर ही अंदर जुगाड़ कर रही है। तो इन तीनों को पता चलता है कि ये तीनों भी उसमें जुड़ने का प्लान बनाती हैं, फिर उस सोने को बेचना शॉपिंग करना ये इनका काम चलता है। पर फिर उन्हें एक दिन ये एहसास होता है कि कोई ना कोई उन पर नजर रख रहा है और इसी बीच हमें दिलजीत दोसांझ की झलक दिखाई जाती है, जो बने हैं कस्टम ऑफिसर, जिनकी जोड़ी हमें कृति सैनन के साथ नजर आएगी और फिल्म में कैमियो करने वाले कपिल शर्मा की जोड़ी तब्बू के साथ नजर आएगी। अब इन एक्ट्रेसेस एयर होस्टेसेस को ऐसे गोल्ड के बिस्किट्स लेकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास जाना होता है और ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो ऐसे सीन्स में इन तीनों को डर भी दिखाई देता है कि एक दूसरे के साथ फन लिविंग केमिस्ट्री और कमाल डायनामिक्स शेयर करते भी नजर आएंगे। इसी बीच हमें चोली के पीछे गाने का न्यू वर्जन भी सुनने को मिलता है, जिसमें ये तीनों झूमती नजर आती हैं। वैसे ट्रेलर के आखिर में जाते वक्त हम फटाफट से अलग अलग चीजों को देखते हैं, जिससे आपको सोचने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा, पर ये तो समझ आया है कि तीनों बढ़िया लेवल का जुगाड़ करते हुए और एक एयर होस्टेस होने के बावजूद भी पायलट बनकर एयरप्लेन चलाने की भी कोशिश करेंगी, मतलब ऐसा कहता नजर आएंगी, पर वे खुद को मुसीबत में फंसाने वाली हैं। वैसे कस्टम ऑफिसर बने दिलजीत दोसांझ को इन पर शक होता है और एक सीन में वही पूछते भी हैं, खबर पक्की है, यानी कि उन्हें इन तीनों को लेकर कुछ ना कुछ खबर तो मिली होगी। अब देखना यही है कि उन तीनों को कैसे पकड़ते हैं। पर ओवरऑल एडवेंचर कॉमेडी क्रिस्प है ये ट्रेलर और पूरी फिल्म भी इसी तरह ही होगी, जहां करीना कपूर, तब्बू और कृति का कॉमेडी टाइमिंग और केमिस्ट्री कमाल की होगी, नो डाउट। आपको फिल्म के बारे में क्या पसंद है और क्या लगता है फिल्म कैसी होने वाली है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा तेरे मस्त मस्त दो नैन नैनों में सपना सपनों में सजना कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना तेरे नैना तेरे नैना। और ना जाने कितने ही गाने ये जवानी है दीवानी की दीपिका पादुकोण नैना के ऊपर बने हैं। ये वर्ड अंबानी शब्द में सेलिब्रिटीज की तरह आम हो गया है। अब दिलजीत का नया सॉन्ग भी इसी वर्ड पर नैना द कहना द क्रू से आउट हो गया है। करीना कपूर, कृति सैनन और तब्बू स्टारर फिल्म क्रू इस महीने रिलीज होगी। टीजर रिलीज होने के बाद मेकर्स ने ये पहला सॉन्ग निकाल दिया है। करीना, तब्बू और कृति अपने अपने अलग अलग टाइम की हॉटनेसेस एक गाने में आ गई हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि गाना कितना बम्बाटिक बूम बूम हो गया होगा।
तीनों ही सुंदरता के मामले में एक दूसरे से पीछे नहीं रही हैं, और इसमें सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है करीना को, और सबसे फर्स्ट नंबर पे क्रेडिट जाता है तब्बू को। क्योंकि देखो भाई, कृति सेनन तो आज की लड़की है, उसको तो हॉट दिखना ही था, लेकिन ये दोनों ने भी टक्कर दी है भाई, टक्कर। तो इसको कहते हैं अचीवमेंट दोस्तों। बाकी दिलजीत दोसांझ का भी अपना अलग स्वैग है, और गाने में दिलजीत के साथ साथ हनी सिंह को धोखा देने वाले बादशाह ने भी रैप किया है। इस गाने को फराह खान ने डायरेक्ट किया है, लेकिन दिलजीत के लिए दिल जीतना इतना आसान नहीं था। असल में दिलजीत की कहानी जान लेते हैं। दिलजीत ने सबसे पहले कीर्तन करना शुरू किया, वो गुरवाणी गाया करते थे, तो बस यूं समझिए कि बाबा का आशीर्वाद उनके गले और सिर पर बना रहा। धीरे धीरे उन्होंने ठान लिया कि सिंगिंग को ही प्रोफेशन बनाएंगे, स्ट्रगल किया, आवाज पर ध्यान दिया और सुरों की समझ ली। फिर 2004 में दिलजीत की पहली एल्बम आई जिसका टाइटल था इश्क दा उड़ा एड्डा। फिर उनको समझ आया इससे काम नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने फिर निकाला रैपर और सिंगर हनी सिंह के साथ अपना गाना गोलियां, जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इस गाने की वजह से वो स्टार बन गए, उन्हें यूथ के बीच सबसे पहले खास पहचान मिली। सिंगिंग तो कमाल की ही थी, गुड लुक्स में भी वो कम नहीं थे। फिर क्या, तो उन्हें पंजाबी मूवीज भी मिलने लग गई। जट एंड जूलियट 2 के अलावा दिलजीत जितनी भी फिल्मों में दिखे, उन्हें लोगों ने खूब प्यार दिया, खास तौर से पंजाब। 1984 ने तो उन्हें लोगों के दिलों में जगह दे दी। अब उनकी एक्टिंग में भी दम था, इसलिए बॉलीवुड की नजरें भी उन पर टिकी। उड़ता पंजाब में आए तो छा गए, उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। इसके बाद गुड न्यूज, सूरज पर मंगल और सूरमा जैसी फिल्में में भी उनकी एक्टिंग का दबदबा खूब देखने को मिला। अब दिलजीत द क्रू में भी दिखेंगे, जिसका झलक गाने में मिल गई है। गाने का तापमान तीनों हीरोइंस की वजह से बहुत बढ़ गया है, वही बढ़ता हुआ तापमान फर्स्ट सॉन्ग में कैप्चर किया गया है। करीना, तब्बू और कृति स्टारर क्रू 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया है। फिल्म में कपिल शर्मा की विशेष भूमिका है, जबकि दिलजीत सहायक भूमिका में है। क्रू यकीनन साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक हो सकती है। आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। अब मैं अपनी फेवरेट हूं वाली करीना कपूर, नेशनल अवार्ड विनर कृति सेनन और तब्बू की अपकमिंग फिल्म द क्रू को लेकर इससे अच्छा सवाल हम क्या ही पूछ सकते हैं। और ये तीन देवियां हमें नजर आने वाली हैं इस फिल्म में स्टनिंग कैरेक्टर्स के साथ, जिसका इन तीनों का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करने वाली ये तीनों रेड कलर के यूनिफॉर्म में हमें नजर आती है, जो की कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म है, जहां तब्बू के पोस्टर के साथ लिखा है रिस्क इट, करीना के पोस्टर के साथ लिखा है स्टिल इट, और कृति के पोस्टर के साथ लिखा है फेक इट। और अपनी स्टनिंग पोजेस और डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट से तीनों ही अपनी फ्लाइट ना हमारे दिल में लैंड कर चुकी है। वैसे फिल्म में ये तीन स्टनिंग एक्ट्रेसेस एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनकर काम कर रही है, साथ ही साथ लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। पर ऐसे में उन्हें किसी अनवॉन्टेड सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है, जब वो किसी झूठी जाल में फंस जाती है। पर इतना जरूर है कि ये तीनों मिलकर ना कराया जवाब तो देंगे ही। वैसे फीमेल ऑडियंस को स्पेशली एक बहुत गहरा मैसेज देने वाली है ये तीनों, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये फोकस करने वाली फिल्म लग रही है। वैसे भी बॉलीवुड में फीमेल ओरिएंटेड फिल्में थोड़ी सी कम बनती है, जिसमें क्वीन, निर्जा, मैरी कॉम, इंग्लिश फिल्म जैसी कुछ फिल्में हैं, और उसमें अब एक और फिल्म ये शामिल हो चुकी है। तो ये सब एंटरटेन ही नहीं करेगी बल्कि हमें इंस्पायर भी करेगी, बट डेफिनेटली इस फिल्म में कॉमेडी भी होगी और मसाला भी होगा। वैसे इनके साथ इस फिल्म में हमें एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ भी नजर आने वाले हैं, इसमें वो फ्लाइट क्रू का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म को ला रही है बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर, जिनका 2018 की विजय दी वेडिंग के बाद करीना के साथ ये अगला कोलैबोरेशन होने वाला है। वैसे करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ भी फिर से साथ में काम कर रहे हैं फिल्म गुड न्यूज के बाद। वैसे द क्रू रिलीज होने वाली है 29 मार्च 2024 को, और इसका क्लैश होगा साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ से, जो कि 28 मार्च को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये है कि ये तीन हसीनाएं जीतती है या फिर ये साउथ की फिल्म। सो लेट्स वेट, आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। किसी
की मॉरी डबल का इस्तेमाल नहीं। सो रेडी फॉर चेक इन, टाइम टू फ्लाई विद द क्रू। अब मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली करीना कपूर, नेशनल अवार्ड विनर कृति सेनन और तबू की अपकमिंग फिल्म द क्रू को लेकर इससे अच्छा सवाल हम क्या ही पूछ सकते हैं। और ये तीन देवियां हमें नजर आने वाली हैं इस फिल्म में स्टनिंग कैरेक्टर्स के साथ, जिसका इन तीनों का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करने वाली ये तीनों रेड कलर के यूनिफॉर्म में हमें नजर आती है, जो की कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म है, जहाँ तबू के पोस्टर के साथ लिखा है रिस्क इट, करीना के पोस्टर के साथ लिखा है स्टिल इट और कृति के पोस्टर के साथ लिखा है फेक इट। और अपनी स्टनिंग पोजेस और डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट से तीनों ही अपनी फ्लाइट ना हमारे दिल में लैंड कर चुकी है। वैसे फिल्म में ये तीन स्टनिंग एक्ट्रेसेस एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनकर काम कर रही है, साथ ही साथ लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। पर ऐसे में उन्हें किसी अनवांटेड सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है जब वो किसी झूठे जाल में फंस जाती है। पर इतना जरूर है कि ये तीनों मिलकर ना कराया जवाब तो देंगी ही। वैसे फीमेल ऑडियंस को स्पेशली एक बहुत गहरा मैसेज देने वाली है ये तीनों, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये फोकस करने वाली फिल्म लग रही है। वैसे भी बॉलीवुड में फीमेल ओरिएंटेड फिल्में थोड़ी सी कम बनती है, जिसमें क्वीन, निर्जा, मैरी कॉम, इंग्लिश फिल्म जैसी कुछ फिल्में हैं और उसमें अब एक और फिल्म ये शामिल हो चुकी है। तो ये सब एंटरटेन ही नहीं करेगी बल्कि हमें इंस्पायर भी करेगी, बट डेफिनेटली इस फिल्म में कॉमेडी भी होगी और मसाला भी होगा। वैसे इनके साथ इस फिल्म में हमें एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ भी नजर आने वाले हैं। इसमें वो फ्लाइट क्रू का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म को ला रही है बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर, जिनका 2018 की वीरे दी वेडिंग के बाद करीना के साथ ये अगला कोलैबोरेशन होने वाला है। वैसे करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ भी फिर से साथ में काम कर रहे हैं, पर गुड न्यूज के बाद वैसे द क्रू रिलीज होने वाली है 29 मार्च 2024 को और इसका क्लैश होगा साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ से, जो कि 28 मार्च को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये है कि ये तीन हसीनाएं जीतती है या फिर ये साउथ की फिल्म। सो लेट्स वेट, आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। टीवी और हरामी थक रही है। बॉलीवुड की तीन अलग जनरेशन से बिलोंग करने वाली एक्ट्रेसेस तबू, करीना कपूर और कृति सेनन एक साथ आ रही हैं अपनी अपकमिंग मूवी क्रू लेकर। वैसे बॉलीवुड में बड़े अरसे बाद कोई विमेन सेंट्रिक फिल्म आ रही है और उस पे भी तीन एक्ट्रेसेस, पर इन तीन एक्ट्रेसेस की इस मूवी को लेकर कुछ लोगों को लगा कि कहीं ये किसी हॉलीवुड मूवी का रीमेक तो नहीं। दरअसल साल 2000 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी जिसका नाम था चार्लीज एंजल्स। ये तीन ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और बोल्ड हीरोइंस की कहानी थी, जहाँ पर तीन लेडीज के पास एक मिशन होता है, उन्हें करोड़पति बाप के किडनैप हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे को ढूंढना होता है और साथ ही उसने बनाया हुआ एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट भी करना होता है। इसमें है हाई ऑक्टेन एक्शन, मार्शल आर्ट टेक्निक्स, हाई टेक टूल्स, सभी को शामिल किया गया था और ये किसी चार्ली नाम के आदमी के लिए काम करती हैं, इसलिए उन्हें चार्लीज एंजल्स कहा जाता है। पर अगर क्रू की कहानी देखें तो ये तीन एयर हॉस्टेसेस की कहानी है जो ब्यूटीफुल, बोल्ड और बिंदास है, और चार्लीज एंजल्स में तीनों लेडीज एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर नजर आती हैं। एक्चुअली क्रू के पोस्टर में इन तीनों को एक साथ देखते हुए चार्लीज एंजल्स की उन तीन लेडीज की याद आना तो जायज है। पर जिस तरह से चार्लीज एंजल्स एक कॉमेडी एक्शन मूवी थी, उसी तरह से क्रू में भी ये तीनों एक्ट्रेसेस कॉमेडी करते नजर आने वाली हैं। रही बात एक्शन की, तो मूवी के पोस्टर से ऐसी वाइब्स आ रही है कि तब्बू, कृति, करीना का थोड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म एजेंट विनोद के बाद हम करीना को एक्शन फॉर्म में देखेंगे, भोला के बाद तब्बू को देखेंगे और कृति सेनन को फिल्म गणपत के बाद। पर ये रीमेक तो नहीं लगता, शायद इंस्पिरेशन हो सकती है कैरेक्टर को लेकर, और किसी कैरेक्टर या रेफरेंस दिया है या नहीं ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर ये जरूर है कि इस मूवी में ड्रामा, एक्शन, ग्लैमर, स्पाइक, सब कुछ है जो इस फीमेल ओरिएंटेड मूवी को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। खैर अब आप बताओ कितने में आई मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की फिल्म प्यार के गीत का ये सॉन्ग याद है आपको? जी, आयो रे मारो डोलना। इस गाने को सुनो और क्रू के न्यू आउट हुए सॉन्ग घाघरा को सुनो, दोनों की धुन काफी सिमिलर है लेकिन लिरिक्स दोनों के अलग है।
वेल, घाघरा सॉन्ग को सुनने के बाद आपको बिना किसी मेहनत के प्यार के गीत फिल्म का ये रंगीलो मारो डोलना याद ही आ जाएगा, जिसमें अरबाज फौजी के रोल में होते हैं और मलाइका उसके आने की खुशी में गाना गाती है। खैर, धुन से हटकर बात करते हैं क्योंकि सॉन्ग के विजुअल्स की। ग्लैमर इंडस्ट्री की तीन बेहतरीन एक्टर्स और ए-लिस्टर्स हसीनाएं जल्द ही एक साथ फैंस पर बिजलियां गिराने के लिए सॉन्ग को आउट करेंगी। ये ए-लिस्टर्स हैं तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सैनन, जिनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रू का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने खूब पसंद किया है, जिसके बाद मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना नैना रिलीज किया। इस गाने को भी फैंस ने काफी पसंद किया। वहीं नैना की जबरदस्त सफलता के बाद क्रू के मेकर्स ने इस फिल्म का नया गाना भागरा आउट कर दिया है, जिसे इला अरुण, रोमी और सृष्टि तलवड़े ने मैजिकल वॉइस दी है। जी हाँ, इला अरुण वही है जिन्होंने करण अर्जुन का चार्ट बस्टर गुपचुप गुपचुप सॉन्ग दिया। रोमी वही है जिन्होंने अर्शद वर्सी की फिल्म फ्रॉड सैया का छम्मा छम्मा सॉन्ग नेहा कक्कड़ के साथ दिया था। सॉन्ग को ऑथेंटिक रखने के लिए राजस्थानी टोन को पकड़ा है, जो इसे काफी रॉयल और क्लासी साउंड दे रहा है। घाघरा में तब्बू, करीना और कृति अपने गजब के डांस एनर्जी दिखा रही हैं। शानदार बीट पर तीनों क्लब में बेहद ही धमाकेदार अंदाज में डांस करती हुई दिख रही हैं। तीनों के एक्सप्रेशन से लेकर डांस मूव्स तक लोगों का दिल धड़क रहा है। वही एक्ट्रेसेस का ग्लैमर गाने को परफेक्ट बना रहा है। इस गाने को देख गाने के धमाल का अंदाज लगाया जा सकता है। घाघरा बेशक क्लब में फिल्मलाइज हुआ है, लेकिन ये होली बीट्स पर लोगों को थिरकने के काम करेगा। साथ ही आने वाले वेडिंग सीजन्स में डीजेज को ये न्यू सॉन्ग मेकर्स की तरफ से एज अ गिफ्ट मिला है। गाने में दिल्ली का जिक्र हुआ है, मतलब तीनों लड़कियां दिल्ली से तलुका रहती है। वही दिल्ली की ग्लैमर्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ वर्किंग लेडीज की कहानी होगी, जिनकी मंजिल जाकर रुकेगी एयरलाइंस पर। ये स्टोरी तीन क्रू लेडीज की होगी जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए साथ काम कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, उनकी सामने मुसीबत आनी शुरू हो जाती है, जो उन्हें डेंजरस सिचुएशन की ओर ले जाती है, जिससे वे झूठ के जाल में फंस जाती है। मूवी लेडीज को एज क्रू मेंबर्स होने वाले साइड इफेक्ट्स को दिखाएगी। बोलो तो ग्लैमरस मूवी होने वाली है। करीना कपूर लास्ट टाइम लाल सिंह चड्ढा में दिखी थी, वही तब्बू लास्ट टाइम भूल भुलैया 2 में दिखी थी, वेल कृति सैनन लास्ट टाइम मूवी भेड़िया फिल्म गणपत, शहजादा और आदि पुरुष में दिखाई दी थी। इनके अलावा दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा का कैमियो भी इस फिल्म में चार चांद लगाएगा। फिल्म की स्टार कास्ट को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म की कहानी काफी मजेदार होने वाली है। राजेश ए कृष्णन द्वारा निर्देशित बालाजी टेलीफिल्म्स और अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की फिल्म क्रू 29 मार्च 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। बालाजी की हेड एकता कपूर को कंटेंट क्वीन माना जाता है। उन्होंने वर्डिक्ट 2, मेंटरहुड सीजन 2, अपहरण 2, 22 लॉकर रूम, क्लास ऑफ 2021, बारिश 3, बैंडेड, पौरुषपुर सीजन 2, फेरी, ऑल्ट बालाजी, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जिन पर वो काम कर चुकी है। वही टीवी स्पेस में नागिन 6, कसम तेरे प्यार की 2, कहा हम चले इतना करो ना मुझे प्यार 2 है, और फिल्मों में एक विलेन फ्रेडी, यू टर्न, जर्सी, गुड बॉय, किटीना, शहजादा, शूट आउट एट भाईखला, 12, LSD 2 जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस चार्ट बस्टर? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कितना एक्साइटेड हैं, बिकॉज भाई मेरी तो तीन क्रशेज की फिल्म है, तो मैं तो जरूर देखने जाऊंगी। आप देखने जाएंगे या नहीं देखने जाएंगे, और आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म से, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए। जोगी आवे मैनू इत्थों दूर ले जा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसी भी शख्स को एक्साइट करने के लिए काफी हैं। 1993 में आई खलनायक से माधुरी दीक्षित का गाना चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, द क्रू में इसका रीमेक बना है। तब्बू, करीना, कृति, दिलजीत, कपिल शर्मा ने इस रीमेक में जो चार्म खोला है ना, उसके लिए तो कोई भी इनसे पूछेगा कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। और ये तीनों एक्ट्रेसेस इतनी बोल्ड दिखाई हैं मूवी में कि बता भी देंगे कि चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, जो दूंगी मैं अपने यार को, प्यार को, फुल स्टॉप। फिल्म के ट्रेलर में इस सॉन्ग की झलक दी गई थी और तभी से करोड़ों फैंस फिल्म के इस गाने का इंतजार कर रहे थे।
अब जब इसे रिलीज किया गया है तो सिर्फ 3 घंटों के भीतर YouTube पर इसे 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि YouTube म्यूजिक पे ये गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में 14th नंबर पे है। दिलजीत दोसांझ, आईपी सिंह, अलका याग्निक और हिला आरुम की आवाज में ये गाना साल 1993 में आई फिल्म खलनायक का रीमेक है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अलका याग्निक और हिला आरुम ने इसका ओरिजिनल सॉन्ग भी गाया था। हिला आरुम वही है जिन्होंने करण अर्जुन का छत पे सोया था बहनोई गाया था। वही अलका याग्निक को तो आप सब जानते ही हैं। इन्होंने गदर में फेमस सॉन्ग उड़ जा काले कावा गाया था और इसके अलावा भी बहुत से हिट्स दिए हैं। सुभाष रे के निर्देशन में बनी संजय दत्त स्टार और सुपरहिट फिल्म का ये गाना ओरिजिनली माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। गाना विवादों में रहा था लेकिन इसके आज भी बॉलीवुड के कुछ सबसे आइकॉनिक आइटम नंबर्स में गिना जाता है। अब करीना कपूर रीमेक सॉन्ग्स में माधुरी की लेगेसी को आगे बढ़ाती नजर आ रही हैं। राजेश कृष्णन के निर्देशन में बनी इस फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या का म्यूजिक वीडियो में फिल्म के कई सीन्स दिखाए गए हैं जिनमें कपिल शर्मा से लेकर दिलजीत दोसांझ तक नजर आ रहे हैं। गाने की लिरिक्स आईपी सिंह ने लिखे हैं और इसे मिक्स हुआ है अभिषेक घातक के द्वारा। सॉन्ग में पुरानी वाली वाइब के साथ साथ नया अंदाज और म्यूजिक साफ महसूस होता है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे और इसे एक कमाल का आइटम नंबर डांस भी कहा जा रहा है। मेकर्स ने सॉन्ग रिलीज के लिए बड़ा अच्छा टाइम चुना था क्योंकि गाइस होली आ रही है। होली पर आज तक माधुरी का गाना बजता था लेकिन अब इस आइकॉनिक चार्टबस्टर से माधुरी की लेगेसी तबू, करीना और कृति रीमेक के जरिए आगे लेकर जा रही हैं क्योंकि डीजे बजेगा तो पप्पू नाचेगा। चोली के पीछे एक राजस्थानी लोकगीत है और इसमें अश्लीलता जैसा कुछ नहीं है। ये गाना राजस्थान में होने वाले शादियों में बजाया जाता है और जिसका आशय ये है कि आपके दिल में क्या है जैसा समझा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। 1993 में आई ये फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। चोली के पीछे क्या गाने की कोरियोग्राफी सरोज खान ने की थी और अलका याग्निक और हिला आरुम ने इसे गाया था। आपको रीमेक सॉन्ग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्रैड स्टूडियोज। टीवी और हरामी थक रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली करीना कपूर तबू और कृति सनन के साथ में एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है क्रीम और इसे ला रही है प्रोड्यूसर एकता कपूर और रिया कपूर। अब ये तीनों एक्ट्रेस की कहानी है, मतलब कि हॉट बिंदास बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेसेस की कहानी होने वाली है जिनकी जिंदगी अचानक से एक अलग मोड़ ले लेती है और उसमें ये तीनों क्या क्या करती है, उस प्रॉब्लम से कैसे निकलती है, यही कहानी का प्लॉट है। तो ये एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म होने वाली है पर इसे लेकर एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इसकी कहानी एयर हॉस्टेस और एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है और ये तीनों टैलेंट की भरमार हमें एक ही प्रेम में नजर आने वाली है तो है ना कमाल की बात। अब ये तीनों ही रियल में ना सेम उम्र की नहीं है, यहाँ पर ना जनरेशन में फर्क है। इनफैक्ट मतलब करीना और कृति तो अलग अलग जनरेशन की है, अब तब्बू और करीना में थोड़ा ही फर्क है लेकिन फर्क तो है, लेकिन यहाँ पर ना एक्सपीरियंस वाइज भी ये लोग सेम नहीं है। मतलब कि ना तो ये लोग एक्सपीरियंस वाइज सेम है ना ही एज वाइज, बल्कि इन्होंने तो अलग अलग दौर में अपनी जर्नी शुरू की थी। जहाँ करीना ने साल 2000 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है वहीं तबू ने 1982 में किया था, वहीं कृति ने साल 2014 में किया। पर इन तीनों की कास्टिंग बिल्कुल सही है क्योंकि तबू हो या फिर करीना, ये हमेशा ना वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स या फिर वुमेन एम्पावरमेंट वाली फिल्मों को लेकर ना काफी आगे रहती है और कृति ने भी ना ऐसी फिल्मों को ज्वाइन कर लिया है। जहां इससे पहले तबू ने अस्तित्व जैसी फिल्म के साथ एक ऐसी औरत का कैरेक्टर निभाया जो शादी के बाद अपनी पहचान खोजने की कोशिश में है, करीना ने चमेली हीरोइन जैसी फिल्मों के साथ साथ जाने जान नाम की फीमेल सेंट्रिक सीरीज में भी काम किया था और कृति ने मिमी जैसी फीमेल सेंट्रिक फिल्म में काम किया जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये तीनों ना ऐसे कैरेक्टर्स अच्छे से निभा सकते इसमें कोई डाउट नहीं है, जहां बोल्ड और स्ट्रांग पर्सनालिटीज की जरूरत है और ये तीनों वैसे ही है। वैसे एकता कपूर और रिया कपूर ने इससे पहले वीरे द वेडिंग नाम की ना एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली थी, मतलब कि अच्छी ही चली थी, जिसमें कि हमें करीना, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर नजर आई थी। उन्हीं के राइटर निधि मेहरा और मेहुल सूरी ने क्रू की कहानी लिखी है। उन्होंने वीरे द वेडिंग में जो कहानी लिखी थी जहाँ चार लड़कियां जो बचपन से दोस्त होती हैं, जिनके हर एक के लाइफ में अलग अलग पंडे चल रहे होते हैं,
फिर मैरिज ड्रामा को लेकर प्रॉब्लम्स हुआ और इन सबको इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने राइटिंग के थ्रू जबरदस्त बाइंड किया था। तो अब उस फीमेल सेंट्रिक फिल्म के बाद उन्होंने क्रू पर भी काम किया है। अब करीना, तब्बू और कृति को इस फिल्म की स्टोरी और प्रेजेंटेशन को ले करना काफी कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्हें पता है कि वो अच्छा ही करेंगी। अब क्योंकि एयर हॉस्टेस से जुड़ा टॉपिक है तो यहाँ पर कहानी काफी अनप्रेडिक्टेबल है और कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी इससे जुड़ गया है। इसका मतलब ये कॉमेडी के तड़के बिना फिल्म में लगाए जाएंगे। तो ड्रामा और कॉमेडी ब्यूटी सब कुछ आपको एक ही पकड़ मिलने वाला है। इसका नाम है क्रू। तो देखते हैं कि हमें ये फिल्म कितना एंटरटेन करती है। वैसे आपके क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कृपया अपनी कुर्सी की पीठियां बांध लीजिए। ऐसी अनाउंसमेंट जब कोई ब्यूटीफुल और हॉट एयर हॉस्टेस करती है तब मौसम तो बिगड़ ही जाता है। और ऐसे ही तीन दिन हॉट एयर हॉस्टेस आ रही है फिल्म क्रू में, जिसमें करीना कपूर, तब्बू और कृति सरन की केमिस्ट्री दिखाई देगी। और देखा जाए तो तीनों ने फिल्म की हाइप को कस के पकड़ के रखा है। पर क्या हमें इससे उम्मीद रखनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब हाइप इसलिए तो है क्योंकि इससे उम्मीदें हैं, तो हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग जनरेशन के तीन खूबसूरत और टैलेंटेड चेहरे नजर आ रहे हैं। अब कास्टिंग भी बहुत मैटर करती है। कभी कभी फिल्म में कौन से चेहरे हैं ये देख कर बिना ऑडियंस फिल्म में इंटरेस्ट दिखाने लगती है और कास्टिंग की वजह से ही 2024 रिलीज एक कॉमेडी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जी हाँ, 22 मार्च को एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसका नाम है मडगांव एक्सप्रेस। उसमें भी तीन दोस्त होते हैं, उनका सपना होता है गोवा जाने का और वहाँ पर जाकर उनकी लाइफ का रायता बन जाता है। उसमें हमें दिव्यंदु शर्मा, अविनाश तिवारी और प्रतीक गांधी, ये तीन एक्टर्स नजर आए थे। और दिव्यंदु को तो हमने मिर्जापुर सीरीज में ऑलरेडी देखा है मुन्ना भैया के कैरेक्टर में, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। बाकी तो नोन फेसेस नहीं थे। इन तीनों ने केमिस्ट्री दिखाने की पूरी कोशिश तो की थी, पर कहीं ना कहीं वो जाने पहचाने जाने नहीं थे, इसकी वजह से ऑडियंस ना उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई। तो कभी कभी ये रिजल्ट भी होते हैं, यानी कि स्टारकास्ट बहुत मैटर करता है फिल्म को फ्लॉप या फिर हिट करवाने के लिए। पर क्रू में तीन पॉपुलर चेहरे हैं जो कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे और ट्रेलर से ही उनकी केमिस्ट्री काफी बढ़िया लग रही है। ऐसे में ये भी एक एडवांटेज है इस फिल्म के लिए, जिनकी एक फेस वैल्यू है। हाँ, पर एक और बात ये है कि जिस तरह मडगांव एक्सप्रेस यंग जनरेशन को टारगेट करती है, उसी तरह क्रू भी यंग जनरेशन को ही टारगेट करती है। और यंग जनरेशन फिलहाल तो एक्शन फिल्म एंजॉय कर रही है, जहां वो एक कॉमेडी फ्लेवर वाली फिल्म मस्त कर रहे हैं और उसमें भी तीन हीरोइंस कॉमेडी करेंगी, जो कुछ लोगों के लिए सरप्राइज है। और 2023 की रानी मुखर्जी की फिल्म मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के बाद कोई वुमेन सेंटर फिल्म नहीं आई। अब वो एक सीरियस फिल्म थी पर क्रू एक कॉमेडी फिल्म है। वैसे मडगांव एक्सप्रेस का डायरेक्शन किया था कुणाल खेमू ने, जिनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू था। उसे लेकर ये कहा गया कि आज के जमाने की यानी कि मॉडर्न फिल्म में जो फ्रेंडशिप पर बनती है उसमें कहीं ना कहीं ये फिल्में पीछे पड़ती नजर आई हैं। कुणाल जो खुद एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर हमें नजर आए थे पर गोलमाल सीरीज में, उनके डायरेक्शन में वीकनेस भी नजर आई थी। पर क्रू में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राजेश कृष्णन, जिन्होंने एक ही फिल्म डायरेक्ट की थी लूट केस, जिसमें कुणाल ही थे, उसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था जो कि क्राइम कॉमेडी थी, तो उनका एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए। वैसे आपके एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर, तब्बू और कृति सैनन की अपकमिंग मूवी क्रू एयरलाइन जैसी हटके टॉपिक पर बनी है, जिसका ट्रेलर भी हमने देख लिया, जिसमें कॉमेडी, एडवेंचर, जुगाड़, सस्पेंस सब कुछ था। और इसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा भी थे। वैसे इसमें कपिल कैमियो के तौर पर नजर आएंगे, तो असल में कॉमेडी के बादशाह हैं और दिलजीत भी थोड़ी बहुत कॉमेडी कर ही लेते हैं, जो मूवी गुड न्यूज़ में देखी है हमने। पर ऐसे दो लोगों को इसमें बिल्कुल अपोजिट दिखाया गया है, मतलब सीरियस, जो कि इंटरेस्टिंग है। मतलब एक कॉमेडी मूवी में मौजूद होने के बावजूद या उन्हें जानबूझकर लेने के बावजूद भी कपिल का टाइम स्पैन कम कर दिया गया है और उनकी कॉमेडी दिखाने की बजाय पूरा फोकस थ्री टैलेंटेड एक्ट्रेसेस पर ही किया गया। जाहिर है कि अगर कपिल को ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग दिया जाता और उनकी कॉमेडी के तड़के देखने मिलते तो इन तीनों एक्ट्रेसेस की कॉमेडी का असर कम होता। पर ये तीनों एक्ट्रेसेस इस फीमेल सेंट्रिक मूवी में कॉमेडी जैसा डिफिकल्ट कैटेगरी आजमा रही हैं, बिल्कुल मक्खन मार के।
ऐसे चैलेंजेस तो अक्षय कुमार की हाउसहोल्ड फ्रेंचाइजी में होते ही रहते हैं। वैसे ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और इसके डायरेक्टर राजेश कृष्णन ने ये बात ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक्सेप्ट भी की थी। मतलब कि जिस तरह से इसमें कोहिनूर एयरलाइंस मेंशन किया गया है, एक्चुअली यहाँ किंगफिशर एयरलाइन जो कि विजय माल्या की कंपनी थी उसका रेफरेंस लिया है और माल्या फ्रॉड करके भाग गया और उसकी एयरलाइन कंपनी बैंक्रप्ट हो गई, तो नाम बदलकर इन्होंने उस बैंक्रप्ट एयरलाइन का हिस्सा यहाँ लिया है और विजय माल्या की जगह मूवी में एयरलाइन के चेयरमैन का नाम विजय वालिया किया है। वैसे माल्या का इंटरेस्टिंग कनेक्शन हमने इससे पहले जॉन अब्राहम की 2019 में आई कॉमेडी थ्रिलर मूवी पागलपंती में भी देखी थी, जिसमें एक डायलॉग है, भगौड़े तो देश छोड़कर भाग गए और जनता के सेविंग्स भी लूट कर चले गए, अब विदेश आकर बसे फ्रॉड्स लोगों में माल्या का नाम तो आएगा ही। खैर अब बताओ कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। टीवियों और हरामी थक रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर, तब्बू और कृति सनन की अपकमिंग फिल्म क्रियू अभी काफी चर्चा में है क्योंकि ये तीन बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेस पर बनी फिल्म है। ऐसे में इसे हम वुमेन सेंट्रिक फिल्म भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा अटेंशन खास तौर पर खींचती है क्योंकि बॉलीवुड में अधिकतर मेल सेंट्रिक फिल्में ही बनती हैं और ऐसे में कभी कभी एक्ट्रेसेस को सकेन स्पेस मिल जाती है और ये बात खुद बॉलीवुड की कुछ फेमस एक्ट्रेसेस ने एक्सेप्ट किया है। वैसे इस फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर है जो कि टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जिनकी उंगलियों पर ना टीवी इंडस्ट्री चलती है ऐसा भी हम कह सकते हैं, वो भी ये चीज एक्सेप्ट करती है। अब कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की जैसी टीवी सीरियल से लेकर एकता ने कई सारे पावरफुल वुमेन कैरेक्टर्स ऑडियंस को दिए, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में स्मृति रानी का दूसरी कैरेक्टर, कसौटी जिंदगी में श्वेता तिवारी का प्रेरणा कैरेक्टर, और ऐसा करते करते फिल्मों में इन्होंने डर्टी पिक्चर में विद्या बालन को स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट किया। उनकी लास्ट फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग थी जो कि एक मल्टी स्टार वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी, जो शरीर तो नहीं पर एकता का फोकस वुमेन कैरेक्टर्स पर बहुत होता है। पर जब उन्होंने फिल्म क्रियू का प्रोमो आउट किया तो कुछ लोगों ने उन्हें ये पूछा कि तीन हीरोइंस की स्टोरी कौन देखेगा, तो एकता का ये भी पर्पज है कि लोगों की मेंटेलिटी को थोड़ा सा धक्का पहुंचाया जाए, जो कि जरूरी भी है, और ऐसी मेंटेलिटी की वजह से ही एकता जैसी प्रोड्यूसर को वुमेन पर फिल्म बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन तीन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की क्रियू एक आई ओपनर फिल्म हो जो अलग स्टोरी और पर्सपेक्टिव के साथ आ रही है। वैसे दोस्तों इससे पहले कई सारी वुमेन सेंट्रिक फिल्में आई है और बॉलीवुड में सक्सेसफुल रही है और कमाई के मामले में भी अच्छी खासी रही है, जैसे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत हो गई, छपाक हो गई, विद्या बालन की डॉटी पिक्चर, कंगना की क्वीन, कृति की मिमी, करीना की हीरोइन हो, इन फिल्मों को ना ऑडियंस ने काफी पसंद किया, जहां इन फिल्मों में मेल एक्टर्स होने के बावजूद भी इन लीडिंग लेडीज ने ऑडियंस का ध्यान आसानी से खींचा था। अब क्रियू भी यही कमाल करेगी ऐसा लगता है। इसमें तीन अलग अलग जनरेशन की एक्ट्रेस को लेना ये भी इस फिल्म को ना और इंटरेस्टिंग बनाता है। इतना ही नहीं बल्कि क्वीन, मर्दानी, मिमी, इंग्लिश विंग्लिश फिल्मों में ना हमने सिर्फ एक ही एक्ट्रेस को लीड तौर पर देखा था, पर इस फिल्म में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन हीरोइंस है, यानी कि तीन तीन एक्ट्रेसेस है, यानी कि ये एक मल्टी स्टार फिल्म होने वाली है। ये थोड़ी सी अलग इसलिए भी होगी क्योंकि बहुत टाइम से हमने कोई वुमेन सेंट्रिक फिल्म नहीं देखी है, तो ये नया हो सकता है फिलहाल के लिए। अब तीसरी बात ये भी है कि क्वीन, कहानी, इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों में हमने सीधी साधी लीड हीरोइंस को देखा था जो कि काफी धक्के खाकर इंडिपेंडेंट बनती है और साथ ही अपनी एग्जिस्टेंस की खोज में रहती है, पर क्रियू में ऑलरेडी ये तीनों इंडिपेंडेंट नजर आती है जो दिखने में बहुत ही बोल्ड है और मेंटली है भी बोल्ड, कोई बेचारी नहीं है, पर फिर भी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पर ये एक अलग शेड है। तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। गाय नहीं है वो बैल है, जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ थक रही है। तू तो कहता तू सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अच्छा प्यार कर सकता हूँ सोनी से, मैं पहला कदम रखूंगा तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे। मम्मी को क्या गुस्से से देख रहे हो, आपका प्यार पूरा नहीं हुआ तो हर प्यार को नफरत से देखोगे क्या? कुर्बानी के शर्म यही हमारी मां समाज भाभी का भेद करवाते हुए।
कौन सी सेलिब्रिटीज आ रही हैं साथ में, क्या है द क्रू की कहानी, कौन दो नामी हस्तियां बना रही हैं द क्रू। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की अदाकाराएं तब्बू, करीना कपूर और कृति सैनन जल्दी फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा हो गई है। जी हां दोस्तों, आपने बहुत सही सुना, द क्रू नाम की इस फिल्म को एकता कपूर और रिया कपूर बनाने जा रही हैं। आपको बताते चले इस क्रम में कि इन दोनों प्रोड्यूसर्स ने इससे पहले फिल्म वीरे दी वेडिंग में साथ में काम किया था। फिल्म द क्रू की स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है। आपको बताते चलें कि तब्बू, करीना कपूर और कृति सैनन की फिल्म द क्रू का डायरेक्शन राजेश कृष्णन करने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2023 में शुरू होगी। आपको बताते चलें कि करीना कपूर ने मीडिया से बातचीत में फिल्म द क्रू के बारे में कहा कि फिल्म वीरे दी वेडिंग में रिया कपूर के साथ काम करने में काफी मजा आया था। इस बार वो मेरे पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आई जो मुझे काफी पसंद आई। इस फिल्म की स्टोरी काफी अच्छी है और फिल्म कॉमेडी ड्रामा से भरपूर होगी। रिया कपूर ने फिल्म के लिए तब्बू और कृति सैनन को कास्ट किया है और उनके साथ काम करने के लिए मैं काफी उत्साहित हूँ। ये फिल्म वीरे दी वेडिंग का सीक्वल नहीं होगा। दोस्तों, करीना कपूर पिछली बार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आई थी। वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स की शूटिंग लंदन में कर रही हैं। तब्बू पिछली बार फिल्म भूल भुलैया 2 में नजर आई थी। वो अब फिल्म दृश्यम 2, फिल्म खुफिया और फिल्म भोला में काम करती दिखाई देंगी। कृति सैनन पिछली बार फिल्म बच्चन पांडे में नजर आई थी। वो अब फिल्म भेड़िया, फिल्म गणपत, फिल्म शहजादा और फिल्म आदि पुरुष में काम करती दिखाई देंगी। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कितनी एक्साइटमेंट है हमें फटाफट से बताइए कमेंट। टीवीओ और हरामी थक रही है। आप अपने निर्धारित मंजिल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ का तापमान आपके लिए बहुत गर्म होने वाला है। मैं पहला कदम रखूंगा और तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे। कहते हैं एक चींटी ही काफी है हाथी की मारने के लिए, और यहाँ तो तीन तीन थी। आपका प्यार पूरा नहीं हुआ तो हर प्यार को नफरत से देखोगे क्या? कुर्बानी के शर्म यही हमारी मां समान भाभी का भेद करवाते हुए। मैम, वेज नॉन वेज? 6 महीने से वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज लगे हुए, वो भी फ्री में। ये कंगन मेरी तरफ से शगन समझ ले। और ये गुफा 40 चोर के लिए नहीं होती, सिर्फ अली बाबा के। और अगर अली बाबा गुफा को पहुंचे ही ना तो उचित होगा कि आप अपने पतलून की पेटी को कस के बांध लें। तुम्हारी बेटी के साथ तो गलत है, जान मारे लोग। जल्दी जल्दी मूंगफली के पैकेट भरना शुरू कर। मूंगफली का क्या करेंगे? सिग्नल पे बेचेंगे। जीनियस। बॉलीवुड में हीरोइन बेस्ट फिल्मों का रेशियो तो कम है कंपेयर टू हीरोइज्म सेंट्रिक फिल्में, और उसमें भी मेल एक्टर्स ही कॉमेडी करते हैं ना कि हीरोइंस। पर आज की घड़ी में औरत किसी से कम नहीं है, और यही सोचकर बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू, करीना कपूर और कृति सैनन ने इन तीनों ने कॉमेडी फ्लेवर्ड फिल्म क्रू का भार उठाया है। वो भी इसमें इन दोनों के साथ एयर होस्टेस बनी है और अपने हुस्न के जलवे ऐसे बिखर रही है 50s में कि बेबो भी शर्मा जाए। अब चलो, बेबो को तो हम कॉमेडी करते देखते हैं। कृति भी एक राइजिंग टैलेंट है, पर तब्बू तो एक सीनियर और सीरियस किस्म की एक्ट्रेस है।
फिर भी कॉमेडी। अब कॉमेडी के लिए तो जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत होती है और तब्बू के पास तो वो है, बस उनके सीरियस फेस की वजह से कभी वे रियलाइज नहीं होता। आप उनकी हैदराबादी सुन लो, बातों ही बातों में समझ आ जाएगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर तो है। और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने ये कहा था कि जब तब्बू गुस्से में होती है तब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सातवें आसमान पर होता है। पर तब्बू ने अपने करियर की शुरुआत सीरियस रोल से ही की है। 1994 में ऋषि कपूर के साथ पहला पहला प्यार नाम की फिल्म से डेब्यू किया, पर यह फिल्म फ्लॉप हुई। एक रोमांटिक फिल्म के बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ विजयपथ की माचिस जैसी पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा किया और उसके बाद तब्बू फाइनली एंटर हुई कॉमेडी जॉनर में गोविंदा के साथ साजन चले ससुराल के जरिए। फिर विरासत, बॉर्डर, दरमियां जैसी सीरियस फिल्में करने के बाद वे चाची 420 में कमल हसन के साथ नजर आई। फिर रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस फिल्में करने के बाद फिर से कॉमेडी में छलांग लगाई, जिसमें हेरा फेरी का नाम हमें शान से लेना चाहिए, जहां वे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ नजर आई। उसके बाद गोलमाल फ्रेंचाइजी, दे दे प्यार दे, भूल भुलैया 2, ऐसी कई सारी पॉपुलर कॉमेडी फिल्में में तब्बू ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया। पर इन फिल्मों में मेल एक्टर्स को ही ज्यादा तवज्जो दिया गया, पर क्रू में तब्बू को ओपन स्पेस मिली है और फिल्म में उनके डायलॉग्स के जरिए वे समझ आ जाता है। वैसे जहां तक क्रू एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म है तो ऐसी फिल्मों में तब्बू परफेक्ट है, क्योंकि वो इससे पहले भी वन ऑफ द स्टार गेजिंग मूवीज और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और अपने कंधों पर पूरी तरह एक फिल्म का भार उठाने में सक्सेसफुल रही है। अस्तित्व नाम की एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म उन्होंने की थी, जो बेसिकली एक ऐसी औरत की कहानी है जो शादी के बाद अपने अस्तित्व को खोजने की जर्नी शुरू करती है। उनकी दूसरी फिल्म हुतुतु में पॉलिटिक्स पावर का खेल दिखाया था और तब्बू ने उस पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया था करप्शन और पावर पर। फिर फिल्म चांदनी बार में तब्बू ने एक अबला लड़की की बार डांसर बनी लड़की और उसके बाद उसकी लाइफ में होने वाली उथल पुथल इसके एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ा और उसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। तो तब्बू कैन डू एनीथिंग, बिल्कुल मक्खन मार के, और इसलिए क्रू जैसी ऐसी वुमन ओरिएंटेड और कॉमेडी फिल्मों में तब्बू जैसी बॉस लेडी भाती है। तो आपको तब्बू की इस फैंटास्टिक जर्नी पर क्या कमेंट करना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। 20 साल भाइयों की तरह काम किया, ऐसे कैसे जा सकता है? बिकॉज ही इज रिच बेबी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन हाइट में जितनी लंबी हैं उतना ही लंबा सफर अब बॉलीवुड में तय कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म क्रू के ट्रेलर टीजर से उनका काम देखकर हमारे मुंह से वाव रिएक्शन ही निकल रहा है, क्योंकि साथ में कौन है वो देखो ना, करीना कपूर और तब्बू जो कि सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, बॉलीवुड में 2-3 दशकों तक इन्होंने राज भी किया और अभी भी कर रही हैं। ऐसे में कृति के लिए कितनी बड़ी बात है और चैलेंजिंग भी। तो क्रू में कृति दिव्या राणा नाम की एक एयर होस्टेस का कैरेक्टर निभा रही हैं और उनका ये एयर होस्टेस का कैरेक्टर उन पर काफी सूट कर रहा है। मतलब अगर फिल्म इंडस्ट्री में ना आकर या इंजीनियरिंग ना कर वे एयर होस्टेस भी बन जाती तो भी चल जाता। खैर, पर कृति को देखकर अभी स्ट्रांग वाइब्स आ रही हैं क्योंकि वे इस वुमन ओरिएंटेड फिल्म का हिस्सा है। अब बॉलीवुड में रियली वुमन ओरिएंटेड फिल्में बनी है और उसमें भी बनी एक वुमन ओरिएंटेड मल्टी स्टारर और कॉमेडी फिल्म जिसका हिस्सा कृति है। मतलब कृति को अपने हाउसफुल सीरीज में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख के साथ देखा है, जो हंसते हंसते कॉमेडी का वजन उठाते हैं। कहीं उन्हें देखकर तो कृति के अंदर भी ये पावर तो नहीं आ गई, क्योंकि हंसाना बहुत मुश्किल है। और हैरानी तो ये है कि कृति कभी ऐसे कैरेक्टर्स निभाएंगी ऐसा उन्हें भी नहीं लगा था। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ 2014 में इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म हीरोपंती से, जो कि साजिद नाडियाडवाला का फिल्म था, जो ये एक रोमांटिक फिल्म थी और इसके लिए कृति को बेस्ट बॉलीवुड डेब्यू का अवार्ड भी मिला। पर उस वक्त तक भी कृति को ये नहीं पता था कि बॉलीवुड में उनका करियर होने भी वाला है। फिर उन्होंने दिलवाले और राबता जैसी फिल्में की और राबता को देखकर करण जौहर ने टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशंस भी दिए थे। राबता तो चली नहीं और दिलवाले में भी कृति का कोई खास रोल नहीं था, क्योंकि उस फिल्म में शाहरुख और काजोल जैसे सुपर हिट जोड़ी थी। फिर स्त्री कलंक में गानों के लिए स्पेशल अपीयरेंस देने के बाद वे लुका छुपी में नजर आई, पर उसमें उनका कैरेक्टर उतना स्ट्रांग या पावरफुल नहीं था कि उस पर खास फोकस किया जाए, बल्कि वो एक स्मॉल बजट फिल्म थी। फिर अर्जुन पटियाला पानीपत जैसी हिस्टोरिकल फिल्म में उन्होंने की, पर कृति पर फोकस ऐसे नहीं जा सकता था। भले ही पानीपत आशुतोष गोविरकर
स्लेटर की फिल्म की क्यों ना हो। फिर कृति हाउसफुल 4 में नजर आए, जो कि साजिद नाडियाडवाला की पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। उसमें कॉमेडी के बादशाह होते हैं अक्षय कुमार, पर आज अक्षय अगर कृति को क्रू में देखेंगे तो भी वे भी हक्के बक्के हो जाएंगे और बोलेंगे कि यार ये तो वही शाय और कम बोलने वाली लड़की है, पार्टियों में एक कॉर्नर में बैठे रहने वाली लड़की है जो कॉमेडी कर रही है, वह भी बेबो और तब्बू के साथ। फिर 2021 में आई मिमी और इस मिमी ने सारा खेल बदल दिया। एक सैरोगेट मदर का कैरेक्टर निभाकर कृति ने सबके छक्के छुड़ा दिए। ऐसे छक्के छुड़ाए कि उनको डायरेक्टर नेशनल अवार्ड भी मिला और इस फिल्म के लिए भी। वो एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी जिसका चेहरा कृति थी। फिर आदि पुरुष जैसी बिग बजट प्रोजेक्ट की प्रभास के साथ नजर आई माँ सीता का कैरेक्टर निभाते हुए, और माँ सीता का कैरेक्टर मतलब पावरफुल और चैलेंजिंग कैरेक्टर, फिर भी कृति ने उसे अपने मुताबिक निभाया। पर रोमांटिक हिस्टोरिकल कॉमेडी इमोशनल और माइथोलॉजिकल फिल्में करने के बाद कृति एक्शन मोड में नजर आई गणपत में, जो चली नहीं। पर उसके लिए कृति ने ताइक्वांडो भी सीखा, मार्शल आर्ट सीखा, कुछ एक्शन फॉर्म्स भी सीखे और बाइक राइडिंग भी सीखी। पर टाइगर श्रॉफ साथ होते हुए भी कृति ने सारा ध्यान खींच लिया और आखिर में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म में वे एक फीमेल रोबोट बनी। देखा जाए तो वे रोबोट के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी थी जो कि चैलेंजिंग रोल था, और कृति ने उस रोबोटिक कैरेक्टर में कॉमेडी को बरकरार रखते हुए इंटरेस्टिंग बनाया। अब क्रू में भी वो कॉमेडी का आजमा रही है। कृति ने अपने करियर में ज्यादा फिल्में भले ही 10 साल के स्पेन में ना की हो, पर अलग अलग जॉनर की फिल्में की हैं और उनका रोमांटिक हीरोइन से लेकर एक्शन लेडी तक का सफर है इंटरेस्टिंग। करीना को तो हम कॉमेडी अंदाज में इससे पहले कई बार देख चुके हैं। तब्बू एक माहिर एक्ट्रेस है जो हर इमोशंस को प्ले कर सकती है। ऐसे में कृति के लिए कितना चैलेंजिंग होगा इन दोनों को मैच करना, पर उनका काम काफी बेहतर नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कृति की क्रू 29 मार्च को थिएटर में सीटियां और तालियां हासिल करे। आपको कृति के इस फैंटेबुलस जर्नी पर क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एंटिल देन की पॉचिंग। सोना कहाँ है सोना? वी वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन चेयरमैन कोहिनूर एयरलाइन। थोड़ी तो इंसानियत रख जैस्मिन, कोई बेचारा यहाँ। करीना कपूर उर्फ जिन्हें प्यार से हम बेबो बुलाते हैं, उन्हें देखकर सिर्फ एक ही लाइन याद आती है कि दुनिया चाहे जो भी करे भाड़ में जाए पर मैं अपनी फेवरेट हूँ। वैसे ये मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला एटीट्यूड उनकी अपकमिंग फिल्म क्रू में नजर नहीं आ रहा, जहाँ पर वह एक एयर होस्टेस के कैरेक्टर में नजर आती हैं और तब्बू और कृति सैनन के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। अब ऐसी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म और उसमें करीना जैसा चेहरा ना हो ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि करीना टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन बनकर रहने वालों में से नहीं है। करीना कभी ऊटपटांग बातें करके, शो ऑफ करके, टैंट्रम्स दिखा के थोड़ा इरिटेट करती हैं, पर एक स्ट्रांग एंड बॉस लेडी के तौर पर वे हमेशा स्ट्रांग वाइब्स देती हैं, क्योंकि उनके बॉलीवुड में काम करने के और अपने पर्सनल लाइफ के भी फंडे क्लियर है। करीना ने 2000 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म रिफ्यूजी से। अभिषेक बच्चन के साथ उन्होंने फिल्म करी जिसके लिए उन्हें बेस्ट बॉलीवुड डेब्यू का अवार्ड भी मिला। उसके बाद अशोक का कभी खुशी कभी गम, मुझे कुछ कहना है जैसे रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्में भी की, पर करीना फैमिली ड्रामास के लिए नहीं बनी है, ये तो फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स के लिए ही बनी है। और ऐसे में उन्होंने चमेली नाम का एक फिल्म करी जिसमें करीना ने सेक्स वर्कर का कैरेक्टर निभाया था जो उनकी करियर का टर्निंग पॉइंट बना। उसके बाद भी एक और स्ट्रांग कैरेक्टर पाया 2002 में फिल्म देव में, जहां एक मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर निभाया जो गुजरात वायलेंस की वजह से अफेक्ट हो चुकी है, जो रियल लाइफ पर बेस्ड थी। फिर सीरियस प्रोजेक्ट्स करने के बाद करीना की एंट्री हुई कॉमेडी जॉनर में। जब भी मेट के साथ फिल्म्स कर रही हैं, हमें एक गीत मिली। करीना का वह कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल था कि हमें शाहिद कपूर को देखने का टाइम भी नहीं मिला, और तभी तो शाहिद भी बेबो के प्यार में पड़ गए। सोचिए कितना इम्पैक्ट हुआ होगा। वैसे उसके बाद थ्री इडियट्स बजरंगी भाईजान में खान लोगों के साथ नजर आई, उसमें भी फन एलिमेंट्स थे, पर भले ही वो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान के साथ हो, करीना का इम्पैक्ट, उनका इंडिविजुअल प्रेजेंस हमेशा नजर आता है। फिर वीरे दी वेडिंग में करीना फिर एक बार स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में दिखी, और वीरे दी वेडिंग में जो करीना नजर आती हैं, वैसल में पंजाबन करीना कपूर लगती हैं जो बिंदास बोल्ड, किसी की परवाह नहीं करने वाली हैं। और अब बहुत टाइम बाद वैसे ही बिंदास बोल्ड कैरेक्टर के साथ वो नजर आ रही हैं क्रू में। करीना की कास्टिंग ही इसीलिए की गई क्योंकि इस फिल्म के कॉमेडी फ्लेवर में करीना का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए तो सबसे पहले ऑफर उन्हें ही मिला, ताकि वे कभी खुशी कभी गम वाली पू, जब भी मेट की गीत, मैं प्रेम की दीवानी हूँ की संजना की तरह बैक टू कॉमेडी नजर आए। वैसे करीना वुमेन सेंट्रिक फिल्में या बायोपिक करने के लिए सूटेबल है, ऐसा बहुत बार कहा जाता है, पर वो एक प्रोजेक्ट करती है जिन्हें स्क्रिप्ट उनकी पसंद आती है, और करीना ने क्रू को चुना क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट उन्हें अच्छी लगी। और फिल्म का ट्रेलर और करीना की एक्सपीरियंसेस और एक्साइटमेंट देखकर समझ आ रहा है कि फिल्म सच में इंटरेस्टिंग होगी,
जिसमें हमें एक्चुअल करीना नेचुरल एक्टिंग करते नजर आएंगी। तो करीना के इस धमाकेदार जर्नी पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ये डायलॉग तो शाहरुख खान की पठान का है, पर एक्चुअली ये यहाँ पर ही सूट करता है, क्योंकि ऐसी अनाउंसमेंट तो हमें फ्लाइट में ही सुनने को मिलती है, और फ्लाइट में होती है मस्त मस्त एयर होस्टेस। तो एयर होस्टेस पर ही बनी फिल्म क्रू का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें हमें नजर आएंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी फेवरेट हूँ वाली करीना कपूर, तब्बू और कृति सैनन, जिसकी शुरुआत होती है एक लेडी ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन से, जो इनसे पूछती है कि सोना कहाँ है, जिस पर ये तीनों अलग अलग एक्सप्रेशंस देती हुई सोना 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 करती रहती है। दरअसल ये तीनों कोहिनूर एयरलाइन में काम कर रही होती हैं, तो एक्चुअली बैंक करप्ट हो जाता है, वजह से सैलरी एडिक्शन होना और इनका क्राइसिस को फेस करना, ये सब चलता रहता है। मतलब नॉर्मल सैलरी भी नहीं मिल रही है और ये लोग बोनस की एक्सपेक्टेशंस कर रही होती हैं। इससे ये समझ आता है कि सिंसियरली काम करने वाली इन तीनों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें अब जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। फिर एक दिन फ्लाइट में करीना राजवंशी नाम के पैसेंजर को जगाने की कोशिश करती है, तब वह जमीन पर गिर जाता है और उसके शर्ट के अंदर सोने के बिस्किट्स होते हैं, तो देखकर इन तीनों की आंखें चमकने लगती हैं। और उस वक्त आपको करिश्मा कपूर का सोना कितना सोना है गाना जरूर याद आएगा। अब इस फिल्म में एक्टर राजेश शर्मा मिस्टर मित्तल नाम का कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो इस कंपनी से जुड़े हैं और ये कंपनी ऐसे ही पैसेंजर्स के गोल्ड को इकट्ठा कर अंदर ही अंदर जुगाड़ कर रही है। तो इन तीनों को पता चलता है कि ये तीनों भी उसमें जुड़ने का प्लान बनाती हैं, फिर उस सोने को बेचना शॉपिंग करना ये इनका काम चलता है। पर फिर उन्हें एक दिन ये एहसास होता है कि कोई ना कोई उन पर नजर रख रहा है, और इसी बीच हमें दिलजीत दोसांझ की झलक दिखाई जाती है, जो बने हैं कस्टम ऑफिसर, जिनकी जोड़ी हमें कृति सैनन के साथ नजर आएगी, और फिल्म में कैमियो करने वाले कपिल शर्मा की जोड़ी तब्बू के साथ नजर आएगी। अब इन एक्ट्रेसेस एयर होस्टेसेस को ऐसे गोल्ड के बिस्किट्स लेकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास जाना होता है, और ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो ऐसे सीन्स में इन तीनों को डर भी दिखाई देता है कि एक दूसरे के साथ फन लिविंग केमिस्ट्री और कमाल डायनामिक्स शेयर करते भी नजर आएंगे। इसी बीच हमें चोली के पीछे गाने का न्यू वर्जन भी सुनने को मिलता है, जिसमें ये तीनों झूमती नजर आती हैं। वैसे ट्रेलर के आखिर में जाते वक्त हम फटाफट से अलग अलग चीजों को देखते हैं, जिससे आपको सोचने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा, पर ये तो समझ आया है कि तीनों बढ़िया लेवल का जुगाड़ करते हुए और एक एयर होस्टेस होने के बावजूद भी पायलट बनकर एयरप्लेन चलाने की भी कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा कहता नजर आएंगी, पर वह खुद को मुसीबत में फंसाने वाली हैं। वैसे कस्टम ऑफिसर बने दिलजीत दोसांझ को इन पर शक होता है, और एक सीन में वही पूछते भी हैं खबर पक्की है, यानी कि उन्हें इन तीनों को लेकर कुछ ना कुछ खबर तो मिली होगी। अब देखना यही है कि उन तीनों को कैसे पकड़ते हैं, पर ओवरऑल एडवेंचर कॉमेडी क्रिस्प है ये ट्रेलर, और पूरी फिल्म भी इसी तरह ही होगी, जहां करीना कपूर तब्बू और कृति का कॉमेडी टाइमिंग और केमिस्ट्री कमाल की होगी, नो डाउट। आपको फिल्म के बारे में क्या पसंद है और क्या लगता है फिल्म कैसी होने वाली है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। और उठिया खुदा खुदा मैंने लिया लिया मेरा हुआ तेरा तू नशा नशा तेरे मस्त मस्त दो नैन नैनों में सपना सपनों में सजना कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना तेरे नैना और ना जाने कितने ही गाने ये जवानी है दीवानी की दीपिका पादुकोण नैना के ऊपर बने हैं। ये वर्ड अंबानी शब्द में सेलिब्रिटीज की तरह आम हो गया है। अब दिलजीत का नया सॉन्ग भी इसी वर्ड पर नैना द कहना द क्रू से आउट हो गया है। करीना कपूर कृति सैनन और तब्बू स्टारर फिल्म क्रू इस महीने रिलीज होगी। टीजर रिलीज होने के बाद मेकर्स ने ये पहला सॉन्ग निकाल दिया है। करीना तब्बू और कृति अपने अपने अलग अलग टाइम की हॉटनेसेस एक गाने में आ गई हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि गाना कितना बम्बाटिक बूम बूम हो गया होगा। तीनों ही सुंदरता के मामले में एक दूसरे से पीछे नहीं रही हैं, और इसमें सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है करीना को, और सबसे फर्स्ट नंबर पे क्रेडिट जाता है तब्बू को, क्योंकि देखो भाई कृति सैनन तो आज की लड़की है, उसको तो हॉट दिखना ही था, लेकिन ये दोनों ने भी टक्कर दी है भाई टक्कर, तो इसको कहते हैं अचीवमेंट दोस्तों। बाकी दिलजीत दोसांझ का भी अपना अलग स्वैग है, और गाने में दिलजीत के साथ साथ हनी सिंह को धोखा देने वाले बादशाह ने भी रैप किया है। इस गाने को फराह खान ने डायरेक्ट किया है, लेकिन दिलजीत के लिए दिल जीतना इतना आसान नहीं था।
असल में दिलजीत की कहानी जान लेते हैं। दिलजीत ने सबसे पहले कीर्तन करना शुरू किया, वो गुरवाणी गाया करते थे, तो बस यूं समझिए कि बाबा का आशीर्वाद उनके गले और सिर पर बना रहा। धीरे धीरे उन्होंने ठान लिया कि सिंगिंग को ही प्रोफेशन बनाएंगे। स्ट्रगल किया, आवाज पर ध्यान दिया और सुरों की समझ ली। फिर 2004 में दिलजीत की पहली एल्बम आई जिसका टाइटल था इश्क दा उड़ा अड्डा। फिर उनको समझ आया इससे काम नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने फिर निकाला रैपर और सिंगर हनी सिंह के साथ अपना गाना गोलियां, जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इस गाने की वजह से वो स्टार बन गए, उन्हें यूथ के बीच सबसे पहले खास पहचान मिली। सिंगिंग तो कमाल की ही थी, गुड लुक्स में भी वो कम नहीं थे। फिर क्या, तो उन्हें पंजाबी मूवीज भी मिलने लग गई। जट एंड जूलियट 2 के अलावा दिलजीत जितनी भी फिल्मों में दिखे उन्हें लोगों ने खूब प्यार दिया, खास तौर से पंजाब 1984 ने तो उन्हें लोगों के दिलों में जगह दे दी। अब उनकी एक्टिंग में भी दम था, इसलिए बॉलीवुड की नजरें भी उन पर टिकी। उड़ता पंजाब में आए तो छा गए, उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। इसके बाद गुड न्यूज, सूरज पर मंगल और सूरमा जैसी फिल्में में भी उनकी एक्टिंग का दबदबा खूब देखने को मिला। अब दिलजीत द क्रू में भी दिखेंगे, जिसका झलक गाने में मिल गई है। गाने का तापमान तीनों हीरोइंस की वजह से बहुत बढ़ गया है, वही बढ़ता हुआ तापमान फर्स्ट सॉन्ग में कैप्चर किया गया है। करीना तब्बू और कृति स्टारर क्रू 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया है। फिल्म में कपिल शर्मा की विशेष भूमिका है, जबकि दिलजीत सहायक भूमिका में है। क्रू यकीनन साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक हो सकती है। आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और ये तीन देवियां हमें नजर आने वाली है इस फिल्म में स्टनिंग कैरेक्टर्स के साथ, जिसका इन तीनों का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करने वाली ये तीनों रेड कलर के यूनिफॉर्म में हमें नजर आती है, जो कि कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म है, जहां तबू के पोस्टर के साथ लिखा है रिस्क इट, करीना के पोस्टर के साथ लिखा है स्टिल इट, और कृति के पोस्टर के साथ लिखा है फेक इट। और अपनी स्टनिंग पोजेस और डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट से तीनों ही अपनी फ्लाइट ना हमारे दिल में लैंड कर चुकी है। वैसे फिल्म में ये तीन स्टनिंग एक्ट्रेसेस एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनकर काम कर रही है, साथ ही साथ लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। पर ऐसे में उन्हें किसी अनवांटेड सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है जब वो किसी झूठे जाल में फंस जाती है। पर इतना जरूर है कि ये तीनों मिलकर ना कराया जवाब तो देंगे ही। वैसे फीमेल ऑडियंस को स्पेशली एक बहुत गहरा मैसेज देने वाली है ये तीनों, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये फोकस करने वाली फिल्म लग रही है। वैसे भी बॉलीवुड में फीमेल ओरिएंटेड फिल्में थोड़ी सी कम बनती है, जिसमें क्वीन, निर्जा, मैरी कॉम, इंग्लिश फिल्म जैसी कुछ फिल्में हैं, और उसमें अब एक और फिल्म ये शामिल हो चुकी है। तो ये सब एंटरटेन ही नहीं करेगी बल्कि हमें इंस्पायर भी करेगी, पर डेफिनेटली इस फिल्म में कॉमेडी भी होगी और मसाला भी होगा। वैसे इनके साथ इस फिल्म में हमें एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ भी नजर आने वाले हैं। इसमें वो फ्लाइट क्रू का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म को ला रही है बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर, जिनका 2018 की वीरे दी वेडिंग के बाद करीना के साथ ये अगला कोलैबोरेशन होने वाला है। वैसे करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ भी फिर से साथ में काम कर रहे हैं फिल्म गुड न्यूज के बाद। वैसे द क्रू रिलीज होने वाली है 29 मार्च 2024 को, और इसका क्लैश होगा साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ से, जो कि 28 मार्च को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये है कि ये तीन हसीनाएं जीतती है या फिर ये साउथ की फिल्म। सो लेट्स वेट, आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ये तीन देवियां हमें नजर आने वाली है इस फिल्म में स्टनिंग कैरेक्टर्स के साथ, जिसका इन तीनों का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करने वाली ये तीनों रेड कलर के यूनिफॉर्म में हमें नजर आती है, जो की कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म है, जहां तबू के पोस्टर के साथ लिखा है रिस्क इट, करीना के पोस्टर के साथ लिखा है स्टिल इट,
और कृति के पोस्टर के साथ लिखा है फेक इट, और अपनी स्टनिंग पोजेस और डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से तीनों ही अपनी फ्लाइट ना हमारे दिल में लैंड कर चुकी है। वैसे पर में ये तीन स्टनिंग एक्ट्रेसेस एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनकर काम कर रही है, साथ ही साथ लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। पर ऐसे में उन्हें किसी अनवांटेड सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है जब वो किसी झूठे जाल में फंस जाती है, पर इतना जरूर है कि ये तीनों मिलकर ना कराया जवाब तो देंगी ही। वैसे फीमेल ऑडियंस को स्पेशली एक बहुत गहरा मैसेज देने वाली है ये तीनों, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये फोकस करने वाली फिल्म लग रही है। वैसे भी बॉलीवुड में फीमेल ओरिएंटेड फिल्में थोड़ी सी कम बनती है, जिसमें क्वीन, निर्जा, मैरी कॉम, इंग्लिश फिंगर जैसी कुछ फिल्में हैं, और उसमें अब एक और फिल्म ये शामिल हो चुकी है। तो ये सब एंटरटेन ही नहीं करेगी बल्कि हमें इंस्पायर भी करेगी, बट डेफिनेटली इस फिल्म में कॉमेडी भी होगी और मसाला भी होगा। वैसे इनके साथ इस फिल्म में हमें एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ भी नजर आने वाले हैं। इसमें वो फ्लाइट क्रू का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म को ला रही है बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर, जिनका 2018 की वीरे दी वेडिंग के बाद कैना के साथ ये अगला कोलैबोरेशन होने वाला है। वैसे कैना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ भी फिर से साथ में काम कर रहे हैं फिल्म गुड न्यूज के बाद। वैसे ना क्रू रिलीज होने वाली है 29 मार्च 2024 को, और इसका क्लैश होगा साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ से, जो कि 28 मार्च को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये है कि ये तीन हसीनाएं जीतती है या फिर ये साउथ की फिल्म। सो लेट्स वेट, आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। टीवियों और हरामी थक रही है। बॉलीवुड की तीन अलग जनरेशन से बिलोंग करने वाली एक्ट्रेसेस तब्बू, करीना कपूर और कृति सानन एक साथ आ रही हैं अपनी अपकमिंग मूवी क्रू लेकर। वैसे बॉलीवुड में बड़े अरसे बाद कोई विमेन सेंट्रिक फिल्म आ रही है और उस पर भी तीन एक्ट्रेसेस, पर इन तीन एक्ट्रेसेस की इस मूवी को लेकर कुछ लोगों को लगा कि कहीं ये किसी हॉलीवुड मूवी का रीमेक तो नहीं। दरअसल साल 2000 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी जिसका नाम था चार्लीज एंजल्स। ये तीन ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और बोल्ड हीरोइंस की कहानी थी, जहाँ पर तीन लेडीज के पास एक मिशन होता है, उन्हें करोड़पति बाप के किडनैप हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे को ढूंढना होता है, और साथ ही उसने बनाया हुआ एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट भी करना होता है। इसमें है हाई ऑक्टेन एक्शन, मार्शल आर्ट टेक्निक्स, हाई टेक टूल्स, सभी को शामिल किया गया था। और ये किसी चार्ली नाम के आदमी के लिए काम करती हैं, इसलिए उन्हें चार्लीज एंजल्स कहा जाता है। पर अगर क्रू की कहानी देखें तो ये तीन एयर होस्टेसेस की कहानी है जो ब्यूटीफुल, बोल्ड और बिंदास है, और चार्लीज एंजल्स में तीनों लेडीज एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर नजर आती हैं। एक्चुअली क्रू के पोस्टर में इन तीनों को एक साथ देखते हुए चार्लीज एंजल्स की उन तीन लेडीज की याद आना तो जायज है। पर जिस तरह से चार्लीज एंजल्स एक कॉमेडी एक्शन मूवी थी, उसी तरह से क्रू में भी ये तीनों एक्ट्रेसेस कॉमेडी करते नजर आने वाली हैं। रही बात एक्शन की, तो मूवी के पोस्टर से ऐसी वाइब्स आ रही है कि तब्बू, कृति, करीना का थोड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म एजेंट विनोद के बाद हम करीना को एक्शन फॉर्म में देखेंगे, भोला के बाद तब्बू को देखेंगे और कृति सानन को फिल्म गणपत के बाद। पर ये रीमेक तो नहीं लगता, शायद इंस्पिरेशन हो सकती है कैरेक्टर को लेकर, और किसी कैरेक्टर या रेफरेंस लिया है या नहीं ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर ये जरूर है कि इस मूवी में ड्रामा, एक्शन, ग्लैमर, स्पाइस सब कुछ है जो इस फीमेल ओरिएंटेड मूवी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। खैर अब आप बताओ कितने में आई मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की फिल्म प्यार के गीत का ये सॉन्ग याद है आपको? जी, आयो रे आयो रे आयो रे मारो डोलना। इस गाने को सुनो और क्रू के न्यू आउट हुए सॉन्ग घाघरा को सुनो। दोनों की धुन काफी सिमिलर है लेकिन लिरिक्स दोनों के अलग है। वेल, घाघरा सॉन्ग को सुनने के बाद आपको बिना किसी मेहनत के प्यार के गीत फिल्म का ये रंगीलो मारो डोलना याद ही आ जाएगा, जिसमें अरबाज फौजी के रोल में होते हैं और मलाइका उसके
आने की खुशी में गाना गाती है। खैर धुन से हटकर बात करते हैं क्यू के सॉन्ग के विजुअल्स की। ग्लैमर इंडस्ट्री की तीन बेहतरीन एक्टर्स और ए-लिस्टर्स हसीनाएं जल्दी एक साथ फैंस पर बिजलियां गिराने के लिए इस सॉन्ग को आउट करेंगी। ये ए-लिस्टर्स हैं तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सैनन, जिनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रू का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने खूब पसंद किया है, जिसके बाद मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना नैना रिलीज किया। इस गाने को भी फैंस ने काफी पसंद किया। वहीं नैना की जबरदस्त सफलता के बाद क्रू के मेकर्स ने इस फिल्म का नया गाना भागरा आउट कर दिया है, जिसे इला अरुण, रोमी और सृष्टि तलवड़े ने मैजिकल वॉइस दी है। जी हाँ, इला अरुण वही है जिन्होंने करण अर्जुन का चार्ट बस्टर गुपचुप गुपचुप सॉन्ग दिया। रोमी वही है जिन्होंने अरशद वर्सी की फिल्म फ्रॉड सैया का छम्मा छम्मा सॉन्ग नेहा कक्कड़ के साथ दिया था। सॉन्ग को ऑथेंटिक रखने के लिए राजस्थानी टोन को पकड़ा है, जो इसे काफी रॉयल और क्लासी साउंड दे रहा है। घाघरा में तब्बू, करीना और कृति अपने गजब के डांस एनर्जी दिखा रही हैं। शानदार बीट पर तीनों क्लब में बेहद ही धमाकेदार अंदाज में डांस करती हुई दिख रही हैं। तीनों के एक्सप्रेशन से लेकर डांस मूव्स तक लोगों का दिल धड़क रहा है। वही एक्ट्रेसेस का ग्लैमर गाने को परफेक्ट बना रहा है। इस गाने को देख गाने के धमाल का अंदाज लगाया जा सकता है। घाघरा बेशक क्लब में फिल्मलाइज हुआ है, लेकिन ये होली बीच पर लोगों को थिरकने के काम करेगा। साथ ही आने वाले वेडिंग सीजन में डीजेज को ये न्यू सॉन्ग मेकर्स की तरफ से एज अ गिफ्ट मिला है। गाने में दिल्ली का जिक्र हुआ है, मतलब तीनों लड़कियां दिल्ली से तलुका रहती है। वही दिल्ली की ग्लैमर्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ वर्किंग लेडीज की कहानी होगी थ्रू, जिनकी मंजिल जाकर रुकेगी एयरलाइंस पर। ये स्टोरी तीन क्रू लेडीज की होगी जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए साथ काम कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे उनकी सामने मुसीबत आनी शुरू हो जाती है, जो उन्हें डेंजरस सिचुएशन की ओर ले जाती है, जिससे वे झूठ के जाल में फंस जाती है। मूवी लेडीज को एज क्रू मेंबर्स होने वाले साइड इफेक्ट्स को दिखाएगी। बोलो तो ग्लैमरस मूवी होने वाली है। करीना कपूर लास्ट टाइम लाल सिंह चड्ढा में दिखी थी, वही तब्बू लास्ट टाइम भूल भुलैया 2 में दिखी थी, कृति सैनन लास्ट टाइम मूवी भेड़िया, फिल्म गणपत, शहजादा और आदि पुरुष में दिखाई दी थी। इनके अलावा दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा का कैमियो भी इस फिल्म में चार चांद लगाएगा। फिल्म की स्टार कास्ट को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म की कहानी काफी मजेदार होने वाली है। राजेश ए. कृष्णन द्वारा निर्देशित बालाजी टेलीफिल्म्स और अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की फिल्म क्रू 29 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। बालाजी की हेड एकता कपूर को कंटेंट क्वीन माना जाता है। उन्होंने वर्डिट 2, मेंटरहुड सीजन 2, अपहरण 2, 22 लॉकर रूम, क्लास ऑफ 2021, बारिश 3, बैंडेड, पौरुषपुर सीजन 2, फेरी, ऑल्ट बालाजी, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जिन पर वह काम कर चुकी है। वही टीवी स्पेस में नागिन 6, कसम तेरे प्यार की 2, कहां हम चले, इतना करो ना मुझे प्यार 2 है, और फिल्मों में एक विलेन फ्रेडी, यू टर्न, जर्सी, गुड बॉय, किटीना, शहजादा, शूट आउट एट भाईखला, 12, LSD 2 जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस चार्टबस्टर? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कितना एक्साइटेड हैं, बिकॉज भाई मेरी तो तीन क्रशेज की फिल्म है, तो मैं तो जरूर देखने जाऊंगी। आप देखने जाएंगे या नहीं देखने जाएंगे, और आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म से, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए। जोगी आवे मैनू इत्थों दूर ले जा। हाय, ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसी भी शख्स को एक्साइट करने के लिए काफी हैं। 1993 में आई खलनायक से माधुरी दीक्षित का गाना चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, द क्रू में इसका रीमेक बना है। तब्बू, करीना, कृति, दिलजीत, कपिल शर्मा ने इस रीमेक में जो चार्म खोला है ना, उसके लिए तो कोई भी इनसे पूछेगा कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। और ये तीनों एक्ट्रेसेस इतनी बोल्ड दिखाई हैं मूवी में कि बता भी देंगे कि चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, जो दूंगी मैं अपने यार को, प्यार को, फुल स्टॉप। फिल्म के ट्रेलर में इस सॉन्ग की झलक दी गई थी और तभी से करोड़ों फैंस फिल्म के इस गाने का इंतजार कर रहे थे। अब जब इसे रिलीज किया गया है तो सिर्फ 3 घंटों के भीतर YouTube पर इसे 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि YouTube म्यूजिक पे ये गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में 14th नंबर पे है। दिलजीत दोसांझ, आईपी सिंह, अलका याग्निक और इला अरुण की आवाज में ये गाना साल 1993 में आई फिल्म खलनायक का रीमेक है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अलका याग्निक और इला अरुण ने इसका ओरिजिनल सॉन्ग भी गाया था। इला अरुण वही है जिन्होंने करण अर्जुन का छत पे सोया
था बहनोई गाया था वही अलका याग्निक को, तो आप सब जानते ही हैं। इन्होंने गदर में फेमस सॉन्ग उड़ जा काले कावा गाया था और इसके अलावा भी बहुत से हिट्स दिए हैं। सुभाष रे के निर्देशन में बनी संजय दत्त स्टार और सुपरहिट फिल्म का ये गाना ओरिजिनली माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। गाना विवादों में रहा था लेकिन इसके आज भी बॉलीवुड के कुछ सबसे आइकॉनिक आइटम नंबर्स में गिना जाता है। अब करीना कपूर रीमेक सॉन्ग्स में माधुरी की लेगेसी को आगे बढ़ाती नजर आ रही हैं। राजेश कृष्णन के निर्देशन में बनी इस फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या का म्यूजिक वीडियो में फिल्म के कई सीन्स दिखाए गए हैं जिनमें कपिल शर्मा से लेकर दिलजीत दोसांझ तक नजर आ रहे हैं। गाने की लिरिक्स आईपी सिंह ने लिखे हैं और इसे मिक्स हुआ है अभिषेक घातक के द्वारा। सॉन्ग में पुरानी वाली वाइब के साथ साथ नया अंदाज और म्यूजिक साफ महसूस होता है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे और इसे एक कमाल का आइटम नंबर डांस भी कहा जा रहा है। मेकर्स ने सॉन्ग रिलीज के लिए बड़ा अच्छा टाइम चुना था क्योंकि गाइस होली आ रही है। होली पर आज तक माधुरी का गाना बजता था लेकिन अब इस आइकॉनिक चार्टबस्टर से माधुरी की लेगेसी तबू करीना और कृति रीमेक के जरिए आगे लेकर जा रही हैं क्योंकि डीजे बजेगा तो पप्पू नाचेगा। चोली के पीछे एक राजस्थानी लोकगीत है और इसमें अश्लीलता जैसा कुछ नहीं है। ये गाना राजस्थान में होने वाले शादियों में बजाया जाता है और जिसका आशय ये है कि आपके दिल में क्या है जैसा समझा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। 1993 में आई ये फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। चोली के पीछे क्या गाने की कोरियोग्राफी सरोज खान ने की थी और अलका याग्निक और इला अरुण ने से गाया था। आपको रीमेक सॉन्ग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन की पहुंचे बॉलीग्रैड स्टूडियोज टीवियों और हरामी थक रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली करीना कपूर तबू और कृति सनन के साथ में एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है क्रीम और इसे ला रही है प्रोड्यूसर एकता कपूर और रिया कपूर। अब ये तीनों एक्ट्रेस की कहानी है मतलब कि हॉट बिंदास बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेसेस की कहानी होने वाली है जिनकी जिंदगी अचानक से एक अलग मोड़ ले लेती है और उसमें ये तीनों क्या क्या करती है उस प्रॉब्लम से कैसे निकलती है यही कहानी का प्लॉट है। तो ये एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म होने वाली है पर इसे लेकर एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इसकी कहानी एयर हॉस्टेस और एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है और ये तीनों टैलेंट की भरमार हमें एक ही प्रेम में नजर आने वाली है तो है ना कमाल की बात। अब ये तीनों ही रियल में ना सेम उम्र की नहीं है यहाँ पर ना जनरेशन में फर्क है। इनफैक्ट मतलब करीना और कृति को अलग अलग जनरेशन की है। अब तब्बू और करीना में थोड़ा ही फर्क है लेकिन फर्क तो है लेकिन यहाँ पर ना एक्सपीरियंस वाइज भी ये लोग सेम नहीं है मतलब कि ना तो ये लोग एक्सपीरियंस वाइज सेम है ना ही एज वाइज बल्कि इन्होंने तो अलग अलग दौर में अपनी जर्नी शुरू की थी। जहाँ करीना ने साल 2000 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है वहीं तबू ने 1982 में किया था वहीं कृति ने साल 2014 में किया। पर इन तीनों की कास्टिंग बिल्कुल सही है क्योंकि तबू हो या फिर करीना ये हमेशा ना वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स या फिर वुमेन एम्पावरमेंट वाली फिल्मों को लेकर ना काफी आगे रहती है और कृति ने भी ना ऐसी फिल्मों को ज्वाइन कर लिया है। जहां इससे पहले तबू ने अस्तित्व जैसी फिल्म के साथ एक ऐसी औरत का कैरेक्टर निभाया जो शादी के बाद अपनी पहचान खोजने की कोशिश में है। करीना ने चमेली हीरोइन जैसी फिल्मों के साथ साथ जाने जान नाम की फीमेल सेंट्रिक सीरीज में भी काम किया था और कृति ने मिमी जैसी फीमेल सेंट्रिक फिल्म में काम किया जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये तीनों ना ऐसे कैरेक्टर्स अच्छे से निभा सकते इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज की जरूरत है और ये तीनों वैसे ही हैं। वैसे एकता कपूर और रिया कपूर ने इससे पहले वीरे द वेडिंग नाम की ना एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली थी मतलब कि अच्छी ही चली थी जिसमें कि हमें करीना सोनम कपूर स्वरा भास्कर नजर आई थी। उन्हीं के राइटर निधि मेहरा और मेहुल सूरी ने क्रू की कहानी लिखी है। उन्होंने वीरे द वेडिंग में जो कहानी लिखी थी जहाँ चार लड़कियां जो बचपन से दोस्त होती हैं जिनके हर एक के लाइफ में अलग अलग पंडे चल रहे होते हैं पर मैरिज ड्रामा को लेकर प्रॉब्लम्स हुआ और इन सब को इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने राइटिंग के थ्रू जबरदस्त बाइंड किया था। तो अब उस फीमेल सेंट्रिक फिल्म के बाद उन्होंने क्रू पर भी काम किया है। अब करीना तबू और कृति को इस फिल्म की स्टोरी और प्रेजेंटेशन को लेकर ना काफी कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्हें पता है कि वो अच्छा ही करेंगी। अब क्योंकि एयर हॉस्टेस से जुड़ा टॉपिक है तो यहाँ पर कहानी काफी अनप्रेडिक्टेबल है और कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी इससे जुड़ गया है इसका मतलब ये कॉमेडी के तड़के बिना फिल्म में लगाए जाएंगे। तो ड्रामा कॉमेडी ब्यूटी सब कुछ आपको एक ही फिल्म में मिलने वाला है
जिसका नाम है क्रू। तो देखते हैं कि हमें ये फिल्म कितना एंटरटेन करती है। वैसे आपके क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कृपया अपनी कुर्सी की पीटिया बांध लीजिए। ऐसी अनाउंसमेंट जब कोई ब्यूटीफुल और हॉट एयर वॉस्टर्स करती है तब मौसम तो बिगड़ ही जाता है। और ऐसे ही 3 दिन हॉट एयर वॉस्टर्स आ रही है फिल्म क्रू में, जिसमें करीना कपूर, तब्बू और कृति सनन की केमिस्ट्री दिखाई देगी। और देखा जाए तो तीनों ने फिल्म की हाइप को कस के पकड़ के रखा है। पर क्या हमें इससे उम्मीद रखनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब हाइप इसलिए तो है क्योंकि इससे उम्मीदें हैं, तो हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग जनरेशन के 3 खूबसूरत और टैलेंटेड चेहरे नजर आ रहे हैं। अब कास्टिंग भी बहुत मैटर करती है। कभी कभी फिल्म में कौन से चेहरे हैं ये देख कर भी ना ऑडियंस फिल्म में इंटरेस्ट दिखाने लगती है। और कास्टिंग की वजह से ही 2024 रिलीज एक कॉमेडी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जी हाँ, 22 मार्च को एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसका नाम है मडगांव एक्सप्रेस। उसमें भी 3 दोस्त होते हैं, उनका सपना होता है गोवा जाने का और वहां पर जाकर उनकी लाइफ का रायता बन जाता है। उसमें हमें दिव्यन्दु शर्मा, अविनाश तिवारी और प्रतीक गांधी, ये 3 एक्टर्स नजर आए थे। और दिव्यन्दु को तो हमने मिर्जापुर सीरीज में ऑलरेडी देखा है मुन्ना भैया के कैरेक्टर में, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। बाकी तो नोन फेसेस नहीं थे। इन तीनों ने केमिस्ट्री दिखाने की पूरी कोशिश तो की थी, पर कहीं ना कहीं वो जाने पहचाने चले नहीं थे, इसकी वजह से ऑडियंस ना उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई। तो कभी कभी ये रिजल्ट भी होते हैं, यानी कि स्टारकास्ट बहुत मैटर करता है फिल्म को फ्लॉप या फिर हिट करवाने के लिए। पर क्रू में 3 पॉपुलर चेहरे हैं जो कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे और ट्रेलर से ही उनकी केमिस्ट्री काफी बढ़िया लग रही है। ऐसे में ये भी एक एडवांटेज है इस फिल्म के लिए, जिनकी एक फेस वैल्यू है। हाँ, पर एक और बात ये है कि जिस तरह मडगांव एक्सप्रेस यंग जनरेशन को टारगेट करती है, उसी तरह क्रू भी यंग जनरेशन को ही टारगेट करती है। और यंग जनरेशन फिलहाल तो एक्शन फिल्म एंजॉय कर रही है, जहां वो एक कॉमेडी फ्लेवर वाली फिल्म मस्त कर रहे हैं और उसमें भी 3 हीरोइंस कॉमेडी करेंगी, जो कुछ लोगों के लिए सरप्राइज है। और 2023 की रानी मुखर्जी की फिल्म मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के बाद कोई वुमेन सेंटर फिल्म नहीं आई। अब वो एक सीरियस फिल्म थी, पर क्रू एक कॉमेडी फिल्म है। वैसे मडगांव एक्सप्रेस का डायरेक्शन किया था कुणाल खेमू ने, जिनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू था। उसे लेकर ये कहा गया कि आज के जमाने की यानी कि मॉडर्न फिल्म में जो फ्रेंडशिप पर बनती है उसमें कहीं ना कहीं ये फिल्म पीछे पड़ती नजर आई है। कुणाल जब खुद एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर हमें नजर आए थे फिल्म गोलमाल सीरीज में, उनके डायरेक्शन में वीकनेस भी नजर आई थी, पर क्रू में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राजेश कृष्णन, जिन्होंने एक ही फिल्म डायरेक्ट की थी लूट,